हेलो। वालेकुम। स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट किया था। इसका नाम था IAS 21। इट्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ द चेंजेस इन द फॉरेन करेंसी। इस पर बात की थी। फंक्शनल करेंसी पहले डिसाइड होगी। नाउ व्हाट इज फंक्शनल करेंसी? द करेंसी ऑफ योर प्राइमरी इकोनॉमिक परमानेंट, जो आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की करेंसी है। और प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के पीछे क्या छुपा हुआ है? बहुत सारी बातें। सेल्स, परचेजेस, एक्सपेंसेस, द प्रॉफिट्स, योर लोन्स, ये जितने भी चीजें हैं जिस करेंसी में सबसे ज्यादा डील करते हैं उसकी बेस पे हम अपनी फंक्शनल करेंसी डिसाइड करते हैं। और फॉरेन करेंसी क्या होती है? कुछ यार, फॉरेन करेंसी क्या है आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एनी करेंसी अदर देन द फंक्शनल करेंसी के अलावा जो भी करेंसी होगी सबकी सब क्या होगी? हमारी फॉरेन करेंसी होगी। वेरी गुड। अच्छा जी, प्रेजेंटेशन करेंसी पे अभी हम आते हैं थोड़ी देर में। अभी हम जरा फंक्शनल से फॉरेन पे आ गए। फिर मैं आपको बताया था IAS 21 का पहला रूल कि तमाम की तमाम फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन को कन्वर्ट करके रिकॉर्ड करना है किसमें? फंक्शनल करेंसी में। यूजिंग कौन सा रेट? स्पॉट रेट। उसके बाद क्या होगा? इसमें से जो भी मॉनेटरी आइटम्स होंगे वो क्या होंगे? रीट्रांसलेट। और जब रीट्रांसलेट होंगे तो किस रेट पे होंगे? वेरी गुड, क्लोजिंग रेट। एंड अगर कोई गेन या लॉस आया तो एनी सॉर्ट ऑफ गेन और लॉसेस यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन सही जी। ये बात हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। यहां पे हमने क्लोज कर दिया था अपना मामला। कल की क्लास यहां डिस्कशन किया था। कंपनी ने क्रेडिट पे परचेजेस किए कितने की? पाउंड 500। 500 पाउंड की परचेजिंग की। हम सब जानते हैं एंट्री क्या होगी? परचेजेस डेबिट एन अकाउंट पेबल। एंड सपोज आर फंक्शनल करेंसी इज रुपीज, सो वी नीड टू रिकॉर्ड ऑल आर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन इन टू द फंक्शनल करेंसी दैट इज रुपीज यूजिंग द स्पॉट रेट एट द रेट ऑफ ट्रांजेक्शन। आज रेट क्या था? अब देखा जिस डेट पे ट्रांजेक्शन अकर हुई उस डेट पे एक पाउंड था 350 रुपए का। एक पाउंड था 350 रुपए का। तो कितने पैसे हो गए? 1,75,000। आप जरा उनके सिर्फ 500 रुपए और हमारे कितने बन रहे? 1,75,000। क्योंकि पाउंड कितने का है? 350। अब एरन नहीं आया क्योंकि एरन आता तो फिर मैं क्या करता? मॉनिटरी आइटम को। अब इसमें मॉनिटरी आइटम कौन सा वाला है? परचेज अकाउंट पेबल है। परचेजेस में पैसे आने जाने नहीं है, अकाउंट पेबल में पैसे जाने हैं। तो जिस अकाउंट में अभी कैश की इन्वॉल्वमेंट होनी है, जिसमें अभी कैश की ट्रांजेक्शन अगर होनी है, वो हमारा मॉनिटरी अकाउंट।
तो ये तो परचेंजेस एक दफा रिकॉर्ड हो गया, इसमें कोई सब्सिक्वेंट जाना पैसे आने ना जाने, लेकिन अकाउंट पेबल की पेमेंट होनी है भी। द अकाउंट पेबल इज द मॉनिटरी आइटम, तो ये वाला मेरा मॉनिटरी आइटम है और ये वाला मेरा रॉ मटेरियल। आपको याद हो तो मैंने कल लिखवा भी दी थी भाई कि चार चीज होती है, क्या क्या है, रिसीवेबल्स, पेबल्स, इन्वेस्टमेंट लोन, चार चीज हमारी मॉनिटरी आइटम्स में आती है। अब अगर एरेंट आ जाता तो हम क्या करते, इसको क्या कर देते, फॉरन ट्रांसलेट कर लेते अगर एरेंट आ जाता। अब एरेंट तो अभी आया नहीं है, एरेंट तो नहीं आया और हमने इसकी पेमेंट कर दिया, तो जब मैं पेमेंट करने जाऊंगा तो मैं जाके पाउंड खरीदूंगा, और मैंने पाउंड किससे रेट रिकॉर्ड किया हुआ है। अब जब मैं एरेंट पे जा रहा हूँ पाउंड खरीदने, तो मुझे एक पाउंड पड़ रहा है इस वक्त 400 रुपए का, एक पाउंड पड़ा 400 रुपए का, तो मुझे बताओ कि मुझे 500 पाउंड अब कितने के मिलेंगे, 2 लाख रुपए। तो क्या मुझे फॉरेन करेंसी पे गेन हुआ है लॉस हो गया, लॉस हुआ, क्योंकि मेरी लायबिलिटी 175 की थी जो कि इंक्रीज होकर कितने में चली गई, 2 लाख। तो जब मैं पेमेंट करूंगा तो एंट्री पास होगी कैश क्रेडिट विद एन अमाउंट ऑफ 2 लाख, और अकाउंट पेबल डेबिट अमाउंट ऑफ 1 लाख, तो बीच में 25,000 रुपए का में सेटलमेंट पे लॉस हुआ है। तो ये लॉस भी कहा जाएगा सिंपल 25,000। तो देखिए दो तरह की ट्रांजेक्शन हो गई, एक वो होती है जो एयरेंट में अभी सेटल नहीं हुई, तो अनसेटल ट्रांजेक्शन हम क्या करते हैं, मॉनिटरी आइटम को रिट्रांसलेट कर देते हैं, और अगर सेटलमेंट हो गई पेमेंट कर दी, तो पेमेंट करते वक्त भी अगर रेट चेंज हो गया है तो आप उसको समटाइम्स गेन और समटाइम्स लॉस बुक करना पड़ता है। इन बोथ द केसेस गेन और लॉस को हम पीएनएल में लेके जाते हैं, इसको कॉपी कर ले। बुरी बात, जी सवाल पूछो। राइट साइड वाले न्यूज़ आपके पीछे आ रहा है, मुझे क्या ओ मैं सामने आ गया हूँ, जी मस्कार कुछ मुस्कार गया भी क्लैरिटी थोड़ी सी आई होगी क्लैरिटी। अभी फेवर देंगे उसको, सर ऊपर कर देंगे। उधर भी तो बहुत अच्छा है, वेरी गुड, टूट गया ऊपर वैसे भी नहीं जा रहा, आप मूवी हो थैंक रहा यू। करेंगे अब हम एक सवाल कर रहे हैं सामने आपके आ गया है।
अच्छा जी, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ये बताओ कि 500 पाउंड में कितने रुपीज आते हैं, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? नहीं, अब आपने मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है। अब इत्तेफाक ऐसा है कि हम दुनिया में सबसे कमजोर चल रहे हैं सब, तो दुनिया की कोई भी करेंसी होगी उससे मल्टीप्लाई करना होगा, चाहे वो बांग्लादेश का टक्का ही क्यों ना हो। बांग्लादेश में लोग पहले जो पाकिस्तान में पहले लोग एग्जाम्पल यूज करते थे, यार ये क्या टके टके की बात कर दी तुमने, छोटे छोटे। अब वो टका इतना वीक करेंसी थी एट दैट टाइम, आज माशाल्लाह टका भी हम सब पर चला गया। तो ये बात इंपॉर्टेंट है बड़ी, कि आपको देखना पड़ेगा कि मैं स्ट्रॉन्ग करेंसी से वीक करेंसी की तरफ जा रहा हूँ या वीक करेंसी से स्ट्रॉन्ग करेंसी की तरफ जा रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछा मेरे पास 500 रुपए, इसमें कितने पाउंड आ जाएंगे? 1.6 समथिंग आ जाएगा, कुछ पाउंड और कुछ पेंस आ जाएंगे। तो फिर आप 500 रुपए को कन्वर्ट करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना, मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड डिवाइड करना पड़ेगा। तो मुझे कैसे पता चलेगा? आपने कहा ये देखे, 1 पाउंड इज इक्वल टू 350 रुपए। अब कौन सी करेंसी इसमें स्ट्रॉन्ग है? करना। क्योंकि राइट साइड पे रुपीज आते हैं हम तो कमजोरी होंगे, ये साइकोलॉजिकली आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, क्योंकि पाउंड स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन सम टाइम आपको देखना पड़ेगा कौन सी करेंसी कौन स्ट्रॉन्ग और कौन सी वीक है। तो बहुत आसान है, आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड पे पाउंड है, राइट साइड पे कितने हैं? 350। तो हम इसको अगर इस तरह समझ लें, एक ऐसी बात कि अगर हमें लड़ाई करनी है तो पाउंड का एक बंदा आएगा, उससे लड़ाई करने के लिए हमें कितने बंदे जाने पड़ेंगे? हमारे हमारे 350 बंदे जाएंगे। इसका मतलब कमजोर कौन है? हम लोग कमजोर, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग जमा होंगे एक बंदे का मुकाबला करेंगे, है ना? तो उनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग है, हमारी करेंसी वीक है। तो कभी भी आप स्ट्रॉन्ग करेंसी से वीक करेंसी से आ रहे होते हैं तो यू नीड टू मल्टीप्लाई, और यहां से आ जा रहे होते तो क्योंकि अब जो आपके सामने करेंसी आई है, अब इसमें आपको पहचानना है उसमें स्ट्रॉन्ग करेंसी वीक होती है। KR टू डॉलर लिखा हुआ, अब आप बताओगे कौन सी स्ट्रॉन्ग है? कैसे पता चला? तो हाँ, उसका एक उसके 1.8 के बराबर चल रहा है। तो डॉलर इज अ स्ट्रॉन्ग करेंसी एंड क्रोमेट कंपैरेटिवली से वीक करेंसी। तो अब मुझे क्रोमेट के अंदर प्राइस गिवन है 54,000, क्रोमेट से मुझे डॉलर्स में जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम वी करेंसी से स्ट्रॉन्ग में जा रहे हैं, तो अब डिवाइड करना पड़ेगा। करें, सॉल्व करें इसको। जनरल एंट्रीज पूछ रहा है,
डन। पहली अप्रैल को मैंने गुड्स क्या किए, परचेज किए, और इसकी पेमेंट कर दी 31 मई को। दोनों के रेट्स आपके सामने गिवन है, और हम अपना अमाउंट निकाल ली, एंट्री बना ली सब लोगों ने, ये बन रहा है, बना ली ऑनलाइन वालों, एंट्रीज बताओ भाई। रीमा कह रही है परचेजेस डेबिट और अकाउंट पेमेंट क्रेडिट होगा 30,000 से, और पेमेंट कितनी हुई है, कितना? हमारी लाइब्रेरी आ गई, एंट्रीज आ गई पूरी, जिसको आप चेक कर सकते हो। अरे मैं पेमेंट करने गया तो मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ गए, दैट मीन्स की कंपनी को लॉस। किसी को मसला है, एनीवन, जब को क्लैरिटी आ गई बेटा, आप लोगों को आ गई, कोई है जिसको नहीं आया तो मुझसे पूछ सकता, क्योंकि मुझे तो आता है। वेरी गुड, चलो भाई अनसेटल्ड ट्रांजेक्शन की एग्जाम्पल एक करेंगे। हो गया डन, टाइम पर क्वेश्चन भी आपको रिड्यूस करना है, नॉट मोर देन 2 मिनट्स आपके लगने चाहिए एक सवाल पे। हालांकि दीनार दुनिया में बहुत महंगी करेंसी है, लेकिन ये पेपर क्योंकि गोरे बनाते हैं तो आप देखें हमेशा डॉलर का स्टॉक रखेंगे, ये डॉलर में 1.5 दीनार आ रहे हैं। ओ माय गॉड, 920 रुपए का है दिनार, और अगर मैं इसको डॉलर से कैलकुलेट करूं, दिनार टू डॉलर, तो एक दिनार में $3 आ सकते हैं। आपका खेल खेला हुआ हो गया बेटा, क्या करा रहे जी? किसको?
नहीं वो हाई वैल्यू नहीं रखी हुई, ये तो ये सवाल इन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन आप अगर उसकी बात करें तो हर करेंसी की एक अपनी वर्थ होती है, एक मिनिमम एक वर्थ होती है यार, इतने का तो ये है, उससे नीचे थोड़ी मैं डीवैल्यू करूंगा। वो सिर्फ उसको करना है जिसको दुनिया में एक्सपोर्ट करनी है, और जो ये काम करता है चाइना, चाइना जानबूझ के अपनी करेंसी डीवैल्यू करके रखता है, उसका रीजन है उसको एक्सपोर्ट करनी पूरी दुनिया में। ट्रेडिंग के हिसाब से फंस सकते हैं क्योंकि अगर वो भी ट्रेडिंग में आ जाए ज्यादा ट्रेडिंग में डिसिप्लिन है क्या देखना चाहिए तो बहुत एक्सपोर्ट कर ज्यादा है उनके सामने अच्छी है जब री डीवैल्यू वैल्यू होना अच्छा है, क्योंकि सामने वाले को आपकी करेंसी सस्ती पड़नी चाहिए, तो ये इसीलिए तो इंटरनेशनल ट्रेड को वो चाइनीज करेंसी में लाना चाहते हैं। ये इंटरेस्ट बना नहीं सब लोगों ने, ये सर अनसेटल ट्रांजेक्शन की थी जिसके अंदर पेमेंट नहीं हुई थी, तो हमने रिट्रांसलेट किया तो हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, लाइबिलिटी कम हो गई मतलब गेन हुआ था, अकाउंट पेबल को मैंने डेबिट किया और गेन को क्रेडिट किया, सब लोगों ने बना लिया एंट्रीज भाई। आप इस पर भी सर नए पुराने सब लोग सो गए, ऑनलाइन ऑफलाइन आप लोग सो गए बेटा, हो जाएगा नहीं कैश तो क्रेडिट नहीं हो ना, हो जाएगा कैश क्रेडिट होता है, वो बोलता है पैसे भी दे दिए, पैसे तो दिए ही नहीं उसने, अभी तो बैठे बैठे लाइबिलिटी कम हुई है खाली, इट्स एन अनसेटल्ड ट्रांजेक्शन। तेईस चौबीस की किट है किसी के पास? 23-24 की सॉफ्ट कॉपी में, चलो मैं दे दूंगा। बाद अब आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी आनी चाहिए कि यार ये पेपर में सवाल आते कैसे हैं इसके, हमने जितना भी अभी तक पढ़ा है इसको थोड़ा सा अगर हम देखें एग्जाम क्वेश्चंस के अंदर कि किट में कैसे सवाल है इसके। पहला सवाल आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 19, बिल्कुल पेपर के सवाल आ रहे हैं ये, पास पेपर्स के क्वेश्चन नंबर 98। प्राइमरी आप समझ रहे हैं प्राइमरी कि कैसे सवालों के जवाब आप देते हैं? सी और डी में देखिए फर्क चेक करें, सी और डी, तो सी भी बहुत क्लोज है लेकिन इट्स नॉट ओनली अबाउट द सेल्स प्राइस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसमें बहुत सारी चीज आती है प्राइमरी इकोनॉमी के बारे में, अगर डी नहीं होता तो फिर सी आंसर होना चाहिए, लेकिन क्योंकि डी मौजूद है तो डी ज्यादा बेहतर। तो ये कुछ जो है ना कुछ वर्ड्स है, कुछ वोकैब है जो आपको हर सब्जेक्ट की दिमाग में होनी चाहिए, तो इस पर्टिकुलर डेफिनेशन का जो मेन की फीचर है वो है प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट, या फिर दिमाग में होगा तो आपका आंसर भी गलत ही होगा। अच्छा कुछ सवाल आते, एक सवाल हम करते हैं अब मैं आपको बताऊंगी, सेक्शन ए में मैंने आपको दिखाया कैसे पूछता है, अब हम देखते हैं ये सेक्शन सी में कैसे पूछता है। सेक्शन सी के अंदर देखिए फाइनल अकाउंट का सवाल है, इसमें ट्रायल बैलेंस होता है और ये ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको एडजस्टमेंट्स देंगे और हर एडजस्टमेंट एक स्टैंडर्ड की होगी, उसके बाद पीएनएल बैलेंस शीट बनानी होती है। हो नोट नंबर 2 में चाहिए आप लोग पढ़ के इसमें वैल्यू करें थोड़ी। अच्छा अच्छा
लॉस हो गया जी। नो एंट्रीज हैव बीन मेड टू रिकॉर्ड दिस सेल लिखा हुआ है ना, उसमें पहले सेल्स की एंट्री बनानी पड़ेगी और उसके बाद क्या पेमेंट हो रही है नहीं, तो अनसेटेड ट्रांजेक्शन ही है लिखा हुआ भी, आखिर द अमाउंट रिमेन अनपेड, तो मुझे मॉनिटर आइटम को रिट्रांसलेट करना होगा सिंपल। देखिए सवाल जो है ना, ये सवाल जब भी फाइनल अकाउंट के अंदर आएगा, इस क्वेश्चन में कंपनी अपने रिकॉर्ड सारे डॉलर से बनाई होगी, तो फंक्शनल करेंसी इज डॉलर और क्रोमिट इज द फॉरेन करेंसी। चलिए सॉल्व करें, तो आपने कहा 12,000 डिवाइडेड बाय 6.4, कितने ही सारे सेल्स किए, क्या बना 1.8, और जब मैं पेमेंट आएगी अब एंट्री पास होगी डेटर्स डेबिट और सेल्स क्रेडिट, डेटर्स डेबिट और सेल्स क्रेडिट वैसी है ना 1875 से, लेकिन जब पैसे आ रहे हैं तो पैसे आते का तो 2,000 होंगे, तो ये इसमें गेन हुआ है मुझे, डेटर्स ऑन डेबिट होगा भाई 125 और पीएल में गेन क्रेडिट होगा क्योंकि मेरी डेटर्स की वैल्यू बढ़ गई। कोई सवाल? हम दे रहे हैं या बेच रहे हैं? हाँ Is it done? Yes. आगे चलो। तब आप देखो इतने सवाल आते नॉर्मली आते सेल्स का या परचेजेस का आता है या लोन का आता है।
इन सब में एक आइटम लास्ट भी ट्रांजेक्शन में मॉनिटर आइटम होता है और एक जो है वो नॉन मॉनिटर आइटम होता है। तो अगर अनसेटल्ड ट्रांजेक्शन है हमारे पास क्या होगा, एक मॉनिटर आइटम होगा और एक, अब मॉनिटर आइटम अगर है तो मैं क्या करूं, तो हमारे दिमाग में अंदर से क्या आना चाहिए, रीट्रांसलेट कर दो और जो उसका गेन और लॉस है वो कहां ले जाओ, पीएल में। अब अगर नॉन मॉनिटर आइटम है तो कहते हैं देखो ये कॉस्ट मॉडल पे है या ये फेयर वैल्यू मॉडल पे। इफ इट इज मेजर एट द कॉस्ट मॉडल तो वो कहते हैं नो रीट्रांसलेशन इज रिक्वायर्ड। बट इफ इट इज मेजर एट द फेयर वैल्यू मॉडल तो एवरी टाइम व्हेनेवर यू डू द रीवैल्यूएशन और द फेयर वैल्यूएशन एडजस्टमेंट तो हम इसको रीट्रांसलेट करेंगे विद गेन्स एंड लॉसेस, पीएनएल में भी जा सकते हैं और ओसीआई में भी जा सकते हैं। नोट कर ले विद द गेन्स एंड लॉसेस ऊपर क्यों नीचे तो अनसेटल्ड ट्रांजेक्शन जो है अगर कॉस्ट मॉडल पे तो नो नीड टू डू एनी सॉर्ट ऑफ रीट्रांसलेशन। सीआरक्यू में सेपरेट हेडिंग्स बनाकर एंट्रीज बनानी होंगी। यस मुझे डन कॉपी कर लिया भाई। मैंने कहा अगर मॉनिटरी आइटम होगा तो वो रिट्रांसलेट होगा उसकी गेन्स एंड लॉसेस पीएनएल में जाएंगे। नॉन मॉनिटर आइटम अगर होगा तो आपको देखना पड़ेगा ये कॉस्ट मॉडल पे या ये फेयर वैल्यू मॉडल पे। इफ इट इज मेजर इन द कॉस्ट मॉडल तो देयर इज नो नीड टू रीट्रांसलेट, आप बोलेंगे सिंपल नो रीट्रांसलेशन इज रिक्वायर्ड। लेकिन अगर ये फेयर वैल्यू मॉडल पे होगा तो फिर आपको इसकी रिट्रांसलेशन करनी पड़ेगी जब जब कंपनी फेयर वैल्यूएशन एडजस्टमेंट करेगी। सही ना, मैं छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने दुबई में एक फ्लैट खरीद लिया, दुबई में एक, उसकी पेमेंट किसने की होगी, मैंने ड्राइवर से पेमेंट की होगी। अब दुबई में मैंने खरीदा था फॉर एग्जाम्पल 1 लाख धरम का फ्लैट, अब मार्केट में वो फ्लैट 2 लाख धरम का हो गया, लेकिन आज वो धरम भी तो चेंज हो गए होंगे। जब मैंने फ्लैट खरीदा था धरम 45 का था, आज धर्म 80 तक चला गया, 75 तक चला गया। तो जब मैं आज की वैल्यू पे उसको रिवैल्यू करने जाऊंगा तो मैं कितने दूंगा, करंट मार्केट वैल्यू कितनी हो गई उसकी, 2 लाख धर्म, लेकिन 2 लाख धर्म को कन्वर्ट करूंगा आज के रेट में, है ना। 45 पे जब था जब थोड़ी होगा कन्वर्जन, आज के रेट पे कन्वर्जन होगी ना। तो आपने कहा ये मेरा 1 लाख धर्म का जो फ्लैट था वो 2 लाख धर्म का हो गया, अब 2 लाख धर्म को आज के रेट पे कन्वर्ट मारो तो पता चला इन टर्म्स ऑफ रुपीज मेरा 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है 7 करोड़ की हो गई है इन टर्म्स ऑफ रुपीज। तो मुझे गेन कितने का हुआ, अब ये पीएल में जाएगा या ओसीआई में जाएगा, पीएल में जाएगा ओसीआई में जाएगा। तो वो कहता क्या है, वो कहता है
जिस चीज में रिवैल्यूएशन हुई है आप चेक करो उसका गेन कहां जाता था, उसका जहां गेन जाता था फॉरेन करेंसी का गेन भी वहीं जाएगा। मैं थोड़ा जो अकाउंटिंग में एक चीज कहलाती है मैचिंग, अकाउंटिंग कभी मिसमैच को अलाउ नहीं करती, सही ना, मिसमैच को अलाउ नहीं करती, मैचिंग को अलाउ करती है। तो अगर प्रॉपर्टी का गेन मुझे पता है, मैं रिवैल्यूएशन रिजर्व में लेके जाता हूं IAS 16 के हिसाब से, तो प्रॉपर्टी में अगर कोई फॉरेन करेंसी का गेन होगा तो वो भी कर जाएगा IAS 16 के हिसाब से। अब इसके कंपैरिजन में एक और प्रॉपर्टी है, उसका नाम होता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वो मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हमेशा गेन PNL में जाता है, तो अगर उस पर फॉरेन करेंसी गेन लॉस आएगा तो वो भी कर जाएगा PNL में, PL और उसे और PL अलग अलग जगह। तो अकाउंटिंग कहती है कि आप ये देखो कि जहां मेन आइटम का गेन और लॉस जाता है वहीं उसका फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस भी जाएगा। तो आपने कहा हम तो प्रॉपर्टी को हमेशा OCI में लेके जाते हैं गेन को, तो फिर इसको फॉरेन करेंसी गेन भी कहा जाएगा OCI में। लेकिन अगर मेरे पास कोई एक ऐसा एसेट है जिसका गेन और लॉस PL में जाता था तो फिर उसको फॉरेन करेंसी गेन लॉस भी कहा जाएगा PL में, क्योंकि मेरे पास तो फॉरेन करेंसी आइटम कोई भी हो सकता है ना, कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है जो मैंने UK से खरीदा हुआ IAS 38 आ जाएगा, कोई और एसेट हो सकता है जो मैंने बाहर से खरीदा हुआ, बाहर शेयर में इन्वेस्टमेंट की हुई हो, शेयर में PIA के भी खरीद सकता हूँ, शेयर में ब्रिटिश शेयर में से भी खरीद सकता हूँ, शेयर में गूगल के भी खरीद सकता हूँ स्टॉक मार्केट में जाके। तो लेकिन उनके साथ जब इस तरह की फॉरेन करेंसी के आइटम आते हैं तो उसमें कन्वर्जन में मुझे डबल गेन हो सकता है, एक तो फॉरेन करेंसी जो बढ़ गई उसका गेन अलग हो रहा है और जो शेयर की वैल्यू बढ़ी उसका गेन अलग हो रहा है। जैसे अगर मैंने गूगल के शेयर खरीद लिए, $100 का शेयर फॉर एग्जाम्पल $200 का हो गया तो ये गेन अलग हुआ और डॉलर जो बढ़ा उसका गेन अलग हुआ, है ना। ये दोनों फिर अलग रिकॉर्ड करेंगे एक साथ। एक साथ अब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, टाइम वैल्यू मनी हो गया था, इग्नोर कर, इग्नोर करना पड़ेगा कुछ स्टैंडर्ड में बोलेगा टाइम वैल्यू मनी को छोड़ दो भाई, टाइम वैल्यू मनी की कैलकुलेशन फिर करना बहुत मुश्किल है उसमें। तो कुछ जगह पे वो बोलेगा टाइम वैल्यू मनी को कंसिडर करना है, टाइम वैल्यू मनी क्या देखिएगा स्टैंडर्ड ये कहता है जब आप डालो कैलकुलेशन तब आपको कुछ पैसे फ्यूचर में देने, जब फ्यूचर में आपको पैसे आने हैं कंफर्म है तो आप टाइम वैल्यू मनी की कैलकुलेशन करो। फॉर एग्जाम्पल आपसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपने कहा मैं ₹1 लाख दूंगा आपको लेकिन 1 साल बाद दूंगा, 2 साल बाद दूंगा, 3 साल बाद दूंगा, तो वो मैं टाइम वैल्यू मनी के हिसाब से देखूंगा आज की वैल्यू क्या बनती है। दैट इज अ फर्म कमिटमेंट बिटवीन यू एंड मी। फिर अगर मैंने बिल्डिंग खरीदी है बिजनेस करने के लिए तो मेरा इरादा थोड़ी उसको बेचने का, इसमें तो पैसे आने ही नहीं है, वैल्यू बढ़ेगी इसकी खरीद रखे रखे। आप अपने घर में रह रहे हैं, अगर घर आपका 1 करोड़ से 2 करोड़ का भी होगा तो घर बेचना थोड़ी होगा, वो तो भाई चलता रहेगा बस, वो तो कैश में थोड़ी कन्वर्ट होगा। तो टाइम में जो मनी जहाँ पता है आपको पैसे यहाँ तो देने हो लॉन्ग टर्म में, एंड दैट्स अ फर्म कमिटमेंट, पर कमिटमेंट पता होगा इतने पैसे दे रहे 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, और या पैसे लेने हो तो इसमें देखिए ना, तो पैसे अगर मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ तो ना तो पैसे लेने ना देने। हाँ लेकिन अगर यहाँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इम्पैक्ट कहाँ पे आ सकता है, अगर अभी मैंने सेल्स परचेजेस पाया आपको, अब सेल्स परचेज में नॉर्मली देखो क्रेडिट पीरियड कितना बताया, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन, 60 दिन, कहते इसके टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इम्पैक्ट इमटीरियल होता है, और अकाउंटिंग इमटीरियल चीजों को इग्नोर कर देती है, मतलब छोड़ इग्नोर को। आप कभी परेशान है 5 रुपए का सिक्का खो गया आपका, कभी परेशान आप रातों की नींद उड़ गई मेरी 5 रुपए का सिक्का खो गया, मेरा एक सिक्का था उसमें कुछ आ भी नहीं रहा आजकल, सिगरेट भी उस दिन हमारी बात हो रही थी कितने की हो गई है, ऐसे 30-35 रुपए की सिगरेट हो गई है। तो आपने कहा जब सिगरेट इतनी महंगी हो गई तो ये सिक्के में तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो दैट इज इमटीरियल अमाउंट, आप लोग खो जाता है कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन अगर 5 लाख रुपए खो जाए किसी के फिर आप देखिए कितना परेशानी होती। क्या 5 लाख खोले आप परेशान होंगे?
होंगे नहीं होंगे, ये भी डिपेंड करता है। अब अगर बिलावल भुट्टो साहब आपके 5 लाख रुपए खो जाए, 5 लाख रुपए पीनट पीनट इतना पीनट, 5 लाख रुपए नवाज बात है शरीफ साहब के खो जाए 5 लाख रुपए, मेरे को 5 लाख रुपए शुक्रिया। पाउंड की बात करो 5 लाख, तो ये भी डिपेंड करता है ना मटीरियलिटी कि किस बंदे के हिसाब से देख रहे हैं। तो पर्सन टू पर्सन ऐसा भी हो सकता है आपको नजर आएगा कि आपने कहा मैं मेरे 50 रुपये खोले तो वो टेंशन नहीं होती, और आपने देखा उधर बस में दो पड़ान लड़ रहा है 10 रुपए के लिए सर फाड़ दिया किसी का, दोनों इंजर्ड हो गए, पता नहीं लाखों रुपए का खर्चा हो गया दोनों के ऊपर, क्या हुआ 10 रुपए का डिस्प्यूट हुआ था, ऐसा भी होता है कभी कभार। तो मटीरियलिटी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मेमन तो नहीं है हमारे बिहार कोई बच्चा मेमन तो नहीं है? ओह तो आप अपनी मेमन अगर आप है तो अपनी पिछली जनरेशन में अगर आप देखें और आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको लगेगा यार ये छोटे छोटे अमाउंट के लिए परेशान होते रहते हैं, अगली जनरेशन जो ना बोलती कोई बात नहीं जाने दो। फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपए में ना आप देखें आपके फादर जो ना 1,000 रुपए भी बहुत सोच समझ के खर्चे करेंगे, यार 1,000 रुपए है, अगली जनरेशन आई आप देखा 5,000 रुपए उड़ा दो कोई टेंशन नहीं। तो हर बंदे का मटीरियलिटी लेवल जो है ना वो क्या होता है अलग होता है। मेरे लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं असल में, बिल्कुल इसलिए मैं अक्सर उनको एग्जाम्पलों में IAS 21 चलो एक सवाल आपके सामने आ रहा है, सनशाइन नाम है सवाल का, थोड़ा सा परसेंटेज सी कम करनी पड़ेगी। पासपोर्ट इतनी जल्दी नहीं बताया यार, आई डोंट लाइक दिस। कितने दिनार से 30 मिलियन दिनार। अच्छा सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन पढ़े थे आप देखिए गौर करें, एग्जामिनर ने स्पेसिफिकली हाईलाइट किया हुआ रिक्वायरमेंट को, रिक्वायरमेंट को उसने बोल्ड किया हुआ है, व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द लैंड, लैंड का कैरिंग अमाउंट क्या होता है, तो दिमाग में आना कैरिंग अमाउंट कैसे निकलता है, तो कैरिंग अमाउंट मतलब होता है नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू होती है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड। तो डेफिनेशन एक तो पहले अंदर से निकल के आना चाहिए डेफिशन लैंड की तो होती ही है, इसका मतलब जो कॉस्ट है वही इसका कैरिंग अमाउंट, पहली बात। दूसरी बात, क्या लैंड मॉनिटरी आइटम है या नॉन मॉनिटरी आइटम है, एक नॉन मॉनिटरी आइटम, नॉन मॉनिटरी आइटम दो खाने मिल जाने चाहिए, कॉस्ट है या फेयर वैल्यू, तो इसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि कंपनी इज यूजिंग द, इसका मतलब रिट्रांसलेशन की टेंशन ही नहीं है, सही ना। तो आपने एक दफा इसको ट्रांसलेट मारना है बस, 30 मिलियन दिनार को डिवाइड करना है उस डेट के रेट के ऊपर। तो जब ट्रांजेक्शन हुई थी 30 जून की, उस 30 जून का जो स्पॉट रेट था वो था 3 दिनार के डॉलर, तो
मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, 10 मिलियन। 10 मिलियन, तो 10 मिलियन की एंट्री पास हुई होगी लैंड डेबिट और कैश या पेबल क्रेडिट। अब क्योंकि उसने पेबल या कैश की बात ही नहीं की तो मैं उसको देख ही नहीं रहा, तो मैंने कहा 10,000 ट्रांसफर आएगा और यही आंसर रहेगा जिंदगी भर इसका, क्योंकि नो री ट्रांसलेशन फॉर आइटम विच आर मेजर एट द कॉस्ट ऑफ। अगर वो कहता कि ये फेयर वैल्यू मॉडल है तो फिर मुझे देखना पड़ता ए रेंट पे अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई है इन टर्म्स ऑफ दीनार्स। तो जो मैंने 30 मिलियन दीनार की लैंड परचेज की थी किसी कंट्री में और वो 32 मिलियन दीनार की हो गई और आज का जो रेट है वो भी कितना हो गया, 2। तो मैं 32 को 2 से डिवाइड करूंगा तो वो कितने में आ जाएगा, वेरी गुड, तो कितने में चला जाएगा 16। तो द 10 मिलियन हैज इंक्रीज टू, तब एंट्री बताओ कितनी क्या बनेगी इसकी, लैंड डेबिट होगा भाई 6,000, 10 का तो था ना वो पहले से, और यहाँ पे रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट होगा भाई, रीवैल्यूएशन रिजर्व वाला अमाउंट ओसीआई में रिपोर्ट होता है, ओसीआई मतलब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। क्या ये बात है आप लोगों को पता है या नहीं पता ओसीआई के बारे में, जाने बताओ बोलो भाई बता दो। कुछ 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 क्या है खेलने का सवाल दिखाए, क्या फोर की वजह से क्या ऐसे फोर की वजह से क्या हुआ, ओके अच्छा जी एक बात समझ ले ताकि आपको बहुत क्लियर हो जाए बात। हम लोग बनाते हैं पीएनएल, वी स्टार्ट विद द सेल्स, सेल्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं और बिजनेस का आता है सारे प्रॉफिट माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बैक कराता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो अमाउंट है वो जाता है रिटेल अर्निंग्स में, रिटेल अर्निंग्स से हम देते हैं डिविडेंड, क्या बात है। अब अकाउंटिंग कहती है डिविडेंड आप जहां से दे सकते हो वो है रियलाइज प्रॉफिट, जो प्रॉफिट रियलाइज हो गया, वी कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड फ्रॉम द अनरियलाइज प्रॉफिट। अब रीवैल्यूएशन गेन इज माय अनरियलाइज प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग, कि भाई एक चीज 10 करोड़ की थी 20 करोड़ की हो गई तो कंपनी के पास तो कुछ पैसे नहीं आया, मैं डिविडेंड कहां से दूंगा, तो अगर वो रीवैल्यूएशन को इधर डालना अलाउ कर देती तो शेयर होल्डर तो खड़ा रहता, लाओ प्रॉफिट तो हो गया जबरदस्त लाओ डिविडेंड निकालो, अब आप दे नहीं सकते डिविडेंड कहां से दोगे, तो आपने कहा 10 करोड़ का प्रॉफिट था 10 करोड़ की रिवैल्यूएशन हुई है दोनों मिला के 20 करोड़ हो गए, अब 20 करोड़ से डिविडेंड कैसे दोगे आप, दे नहीं सकते क्योंकि आधा प्रॉफिट तो अनरियलाइज है। अकाउंटिंग कहती है एनुअलाइज प्रॉफिट को डालो ओसीआई में और ओसीआई से उसको उतारो किसी अकाउंट में, या तो वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में रहेगा या वो अदर रिजर्व में रहेगा, उसको रिटेल अर्निंग्स में नहीं डालना, अगर आपने उसको रिटेल में डाल दिया तो शेयर होल्डर खा लेगा, डिविडेंड निकालो मेरा। हम क्या बनाते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अलग बनाते हैं और ओसीआई के नीचे अलग बनाते हैं, ओसीआई में सारे अनरियलाइज गेन्स डालते हैं और रियलाइज गेन्स सारे कहाँ डालते हैं पैट में, और पैट से रिटेल में जाता है रिटेल से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डिविडेंड को, तो कुछ जगहों पे वो स्टैंडर्ड बनेगा उसको ओसीआई में लेके जाओ, ओसीआई में लेके जाओ, इसका मतलब आप समझ जाए कि स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, ये अभी तक रियलाइज नहीं हुआ फ्यूचर में रियलाइज होगा, और कुछ जगहों पे वो बोलेगा ये पीएनएल में लेके जाओ तो स्टैंडर्ड वो क्या कह रहा है ये गेन रियलाइज हो गया। अब रियलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों के दिमाग में वो गलत है,
आप लोग समझते हैं कि रियलाइजेशन का मतलब ये है कि पैसे आ गए, तो याद रखिएगा पैसों पे अकाउंटिंग नहीं चलती, अकाउंटिंग चलती है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड में देखूंगा, कुछ जगह पे पैसे नहीं आएंगे लेकिन स्टैंडर्ड बोलेगा रियलाइज हो गया। अगर वो रियलाइज हो गया तो पीएटी में वो जाएगा, और पीएटी में जाएगा तो वो रिटेनिंग में जाएगा, उसको डिविडेंड आपको देना पड़ेगा बेशक रियलाइज नहीं हो इन टर्म्स ऑफ कैश। और कुछ जगह पे वो बोलेगा ये अभी तक अनरियलाइज है, अनरियलाइज है तो उसको ओसीए में डालेंगे, उसमें से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है आपको? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सेल्स जो है वो क्रेडिट में भी होती है, तो क्रेडिट सेल में तो पैसा नहीं आता लेकिन हम उसको सेल्स के थ्रू प्रॉफिट भी निकालते हैं। तो अकाउंटिंग कैश पे नहीं चलती, अकाउंटिंग चलती है एक्रूअल कॉन्सेप्ट है। तो जहां मैं वर्ड यूज करूँ ना ओसीए में जाएगा, तो मतलब आप समझते हैं स्टैंडर्ड का कह रहा है अभी तक ये गेन रियलाइज, और अगर मैं कह रहा हूँ पीएनएल में जाएगा तो मतलब वो क्या कह रहा है ये गेन और लॉस रियलाइज हो चुका है। सही बात। अब ये पास पेपर का सवाल तो हमने कर लिया, इसी का मिलता जुलता एक और सवाल एग्जाम में बताया चाहूंगा, इसका जल्दी से जवाब दे दे। अब इसमें डेप्रिसिएशन भी है, नाम हो सीआर है। ओसीआई मीन्स अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। रीबा के सवाल एवरेज रेट कब यूज होगा बताता हूं, जब प्रॉपर्टी सेल होगी तो ट्रांसफर होगा तो रिटेनिंग्स आर आर से रिटेनिंग्स में। यस ये हम रिटेनिंग्स में डाल देते हैं क्योंकि वो गेन रियलाइज हो जाता है। अच्छा मैं सबका सी आ रहा है कॉस्ट मॉडल है तो लोन री ट्रांसलेशन 20 मिलियन डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो 10 मिलियन आ जाएगा, 10 मिलियन को डिवाइड कर दूंगा 20 इयर्स पे तो साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इस सवाल का जवाब दे रहा है थ्यूरी आ गई। अच्छा बच्चे जो है ना पेपर में बड़ा परेशान हो, और थ्यूरी आ गई और थ्यूरी आ गई, सर ने थ्यूरी नहीं पढ़ाई थ्यूरी आ गई, इस तरह की आवाजें अक्सर जो है आपको पेपर में सुनने को मिलेंगी पेपर के बाद। तो कभी भी मैं ये F7 मैंने नहीं बताया ये कैलकुलेशन का पेपर है या ये थ्यूरी का पेपर है, ये इसमें दोनों चीज आती है। लेकिन जो थ्यूरी है वो याद करने की कुछ नहीं है, जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं उसी को इंग्लिश में पूछ लेते हैं। अब याद देखिए सवाल चेक करके देखिए क्या ये समझ में आ रहा है आपको। ABCD टू और थ्री सही है। मैंने लिखा था कि मैंने स्टेटमेंट पढ़ी पहले, एक्सचेंज गेन्स एंड लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम द रीट्रांसलेशन ऑफ द मॉनेटरी आइटम रिकॉग्नाइज्ड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये बात सुनते ही गलत हो गई। हमने कहा पीएनएल में जाता है। अब एग्जामिनर खुद कभी कभार बेवकूफ है, ऐसे सवाल बनाया था। अब देखो इसका मतलब वन अगर गलत है तो ए भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। नोट किया बात, अगर वन गलत है
तो ऑल ऑफ द अबव तो नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, मैंने पूरा सवाल ही नहीं पढ़ा, मेरा आंसर आ गया ऑटोमेटिकली। आंसर क्या है? तो मैं कभी कभार इसका काउंटर चेक इस तरीके से भी आप सवाल को कर सकते हैं कि मैं सही ऑप्शन लगा रहा नहीं लगा रहा। चलो बी में पढ़ लेते हैं। नॉन मॉनेटरी आइटम मेजर एट द कॉस्ट इन अ फॉरेन करेंसी आर नॉट रिट्रांसलेटेड एट द बात बिल्कुल सही है, ये बात अभी हमने पढ़ ली। एन इंटेंजिबल एसेट इज द नॉन मॉनेटरी आइटम, इंटेंजिबल एसेट हमेशा नॉन मॉनेटरी आइटम होते हैं। मॉनेटरी एसेट वो हो सकता है देखिए जिसका बेनिफिट कैश के फॉर्म में है, जैसे ये प्रोजेक्टर लगा हुआ, ये प्रोजेक्ट एसेट, प्रोजेक्टर हमारा एसेट है, लेकिन इसको खोलते तो उसमें से 1000 डॉलर के नोट नहीं गिरते। इसको खोलने से क्या हो रहा है? एक सर्विस प्रोवाइड करने में फैसिलिटेट कर रहा है। तो ये कौन सा आइटम हो गया? एसी क्या कर रहा है? 50-50 रुपए नहीं जला रहा, हवा दे रहा खाली, ठंडी हवा। तो ये भी कौन सा आइटम हो गया? मॉनिटरी एसेट वो होगा जिससे पैसे निकलेगा, जैसे रिसीवेबल होता है। रिसीवेबल क्या है अल्टीमेटली, आपको क्या देगा रिसीवेबल? हवा देगा, आप उसको पैसे ले लेगा, आप यार हवा ले लेगा, हवा ले लो, तुम लोग हवा के पैसे लेते दो, हवा ले लो, ये लाइट मार दो तुम्हारे मुंह पे, ये वाली प्रोजेक्टर की लाइट। रिसीवेबल से आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, तो वो मेरा मॉनिटरी आइटम। पेमेंट को आपने पैसे देने ही है, तो ये मॉनिटरी आइटम नॉन मॉनिटरी का डिफरेंस है। देखिएगा उसका बेनिफिट अगर ऐसे का, तो उसका बेनिफिट हमेशा कैश के फॉर्म में आएगा। मेरे ख्याल से हमने सारे सवाल किटके कर लिए। अच्छा अब मैं करा रहा हूं टेज बॉल। टेज बॉल है आपके दिमाग को चेक करने के लिए कि आपका दिमाग सही तेज चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर आपने कर लिया सवाल इसमें आप बहुत ही चीते हैं, नहीं किया तो फिर शेयर 101। Gracias.
हाँ जी हो गया डन, क्या आंसर आ रहा है? 207। परफेक्ट, जिन लोगों ने 207 जवाब दिया वो पेपर की डेट ले लें अगले हफ्ते की। 1 लाख आ रहा है, मतलब अभी डेट डाले। लोन कितना लिया मैंने? $9,000 से करोगे, दो लोन तो गए, उसको दो लोन तोड़ दें आप। अब वो कह रहा है कि जब हमने लोन लिया था 12 मिलियन दीनार्स का, जब हमने लोन लिया था 12 मिलियन दीनार का, उस वक्त रेट था 6 रुपए का, तो 6 रुपए के हिसाब से आप डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कितना? 9,000 / 6, तो ये हो जाएगा 1500 और ये हो जाएगा 500, है ना? अब इसमें वो कह रहा है हमने एक पेमेंट पे कर दी है, अब वो जो पेमेंट की रेट थी वो अलग थी, वो थी 30 नवंबर की, तो पेमेंट करते हुए 3 मिलियन दीदार जो कन्वर्ट होंगे 5 के रेट के ऊपर, तो 3000 / 5 कर दूंगा मैं, ठीक कितना रहेगा? 600। तो इस वाली ट्रांजेक्शन में मुझे लॉस हुआ है 100 का, गुजारा है सबको। और इस वाली ट्रांजेक्शन के अंदर वो कह रहा है अब रेट कितना हो गया, क्योंकि ये अनसेटल था तो 5.6 हो गया, तो हमारा था 9,000 / 5.6, 1,600। तो एक मुझे लॉस हुआ यहाँ पे 107 का, तो टोटल लॉस मेरा हो गया 207। देखिए सब कुछ क्लियर होगी बात, एनीवन? यहाँ तो कह रहे हो नेक्स्ट आता है 207 बेटा। नाउ द नेक्स्ट आइटम इज अबाउट द प्रेजेंटेशन करेंसी, एक वर्ड होता है मल्टीनेशनल कंपनी, कभी सुना है वर्ड मल्टीनेशनल कंपनी? क्या मतलब होता है इस बात का? पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहे, तो आपको उनके स्ट्रक्चर्स बहुत डिफरेंट मिलेंगे। तो पता चला वो कह रहा है हमारा हेड ऑफिस जो है वो यूके में, कंपनी हमारी क्या है पाकिस्तान में, रीजनल ऑफिस मेरा क्या है दुबई में, तो रीजनल डायरेक्टर बैठा होगा दुबई में और हेड ऑफिस मेरा क्या है यूके में। अब हर जगह पे बिजनेस के एनालिसिस हो रहे होते हैं, अब जब मैं पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा तो पाकिस्तान में तो मैंने बना दी रुपीज में, इफ माय फंक्शनल करेंसी रुपीज, रुपीज में बना दी, और लोकल अथॉरिटीज को भी रुपीज में चाहिए होगी तो मैंने रुपीज में दे दी। SEC कहलाता है हमारा सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, तो कंपनीज का रेगुलेटर होता है, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देनी होती है, तो आपने बना के उसको दे दी रुपीज के अंदर, लेकिन रुपीज वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको अगर भिजवाऊंगा तो इसको समझ ही नहीं आएगी,
तो मुझे उसकी प्रेजेंटेशन करेंसी चेंज करनी पड़ेगी, तो मैं उसकी प्रेजेंटेशन करेंसी करूंगा जाके चेंज, कि मुझे यहां भेजना है तो मुझे धैर्य से भेजना है, और जब मुझे इसी को यहां भेजना है तो मुझे इसी अगर मैंने इसको यूएस भेजना है तो डॉलर में कन्वर्ट करना है, मुझे किसी और यूरोपियन कंट्रीज में भेजना है तो यूरो में कन्वर्ट करना है, ये कहलाती है प्रेजेंटेशन करेंसी। और स्टैंडर्ड कहता है IAS 21 कि एन एंटिटी कैन प्रेजेंट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एनी करेंसी दे वांट, किसी भी करेंसी में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है मल्टीपल करेंसीज में हो रही होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट, क्योंकि मुझे एक दुबई भेजना है, एक उधर भेजना है, यूके भेजना है, किधर भेजना है किधर में। अब मैंने रैंडमली एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोल ली, फॉर एग्जाम्पल हमारे बच्चों की असाइनमेंट आए होते हैं, हाँ एक बच्चे का असाइनमेंट आया, ये मैंने खोल लिया, सी ये क्या बना रहा है अच्छा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई कंसोलिडेटेड किसमें, डॉलर्स में। अब किसी ने मुझे बोला यार एक हमें रुपीज में भी चाहिए, आपने कहा ठीक है ये एक मिनट में रहेगी, अब आपने उठा लिया आपने रुपीज लिख रहा, और 3 जीरो डाल दिए, अब आपने कहा रेट क्या उठा रहा है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड ने गाइडलाइन दी है कि व्हेन यू आर कन्वर्टिंग योर बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट के लिए हमेशा क्लोजिंग रेट यूज करना है ए रेट का। तो ए रेट का रेट क्या चल रहा है, तो आप देखो डॉलर चल रहा है फॉर एग्जाम्पल 280 रुपए का, तो इन टर्म्स ऑफ डॉलर भी कितना अमाउंट हो गया, जो डाला मैंने और इसको मल्टीप्लाई किया किस रेट से 280 से, और मुझे 280 को करना है लॉग भी, लॉक करने के लिए अकाउंटिंग कहती है कि आप एक्सेल के साथ उसमें डॉलर साइन डाल दो, क्योंकि मैं हर वैल्यू को 280 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैंने डॉलर में लॉक कर दिया। तो ये हो गई भाई इतनी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट इन टर्म्स ऑफ, अब यहां से पार के बारे से खींचना है इसको, तो आप देखो मुझे हार्डली कितना मिनट लगा इसको रुपीज में मारने में कन्वर्ट, सही थी आपने यार इसको डाल दो फॉर एग्जाम्पल पाउंड में, तो आप देखा चलो अभी पाउंड में कर देते हैं, पाउंड का निशान डाल दिया इसमें हमने, पाउंड का निशान इसमें है नहीं नहीं इसमें आता कहीं पे पाउंड का निशान, यस अच्छा मेरे पास नहीं सिंबल से आएगा ना, अकाउंट करेंसी नेपाली बनी कहाँ कहाँ से आ गई करेंसी, ठीक है यार नहीं पाउंड पाउंड को जीबीपी भी कहते हैं ना, ग्रेट ब्रिटेन राजा बेटा हाँ हमारा जीबीपी कहाँ गए तुम, ये गया गया मेरा फोन माशाल्लाह जज्बातों की दुआ में। अब मुझे सिर्फ गूगल से क्या निकालना है कि पाउंड टू इसका रेट क्या चल रहा है, आपने कहा चलो निकाल लेते हैं एक मिनट में,
काउंट टू, हम लोग गरीब है ना, तो आप देखिए हमेशा पी क्या देता है बना। पाउंड टू जीएसटी 1.2 से 1.27। सारे फिगर्स इन पाउंड आ गए। क्या फॉर्मूला में ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बताने चाह रहा हूँ ये प्रेजेंटेशन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए स्टैंडर्ड ने क्या कहा। तो स्टैंडर्ड कहता है आपकी प्रेजेंटेशन करेंसी कोई भी हो सकती है दैट यू वांट, लेकिन कन्वर्जन करते हुए बैलेंस शीट को कन्वर्ट करोगे किसमें, क्लोजिंग रेट पे लिख ले। पीएलओ को कन्वर्ट करेंगे एवरेज रेट पे, पीएलओ कन्वर्ट होगी एवरेज रेट पे। इसका कोई ताल्लुक फॉरेन करेंसी से नहीं है। आपकी जो एक एक बैलेंस शीट है उसको दूरी करेंसी में कन्वर्ट करने का रेट एवरेज रेट यूज होगा कहां पे, पीएल में। अब डेफिनेटली इसमें डिफरेंस आएगा क्योंकि रिटेलर में जो प्रॉफिट गिरेगा आगे वो कहां से आएगा, वो एवरेज रेट पे आएगा है ना, और बाकी पूरी रेस्ट ऑफ द बैलेंस शीट किस रेट पे है, तो थोड़ा सा बैलेंस शीट में डिफरेंस आएगा। तो जो डिफरेंस हो गया था ये एक्सचेंज गेन एंड लॉस है, लिख ले एक्सचेंज गेन एंड लॉसेस ओसीआई में जाएंगे। एक्सचेंज गेन एंड लॉसेस ओसीआई में जाएंगे। प्रेजेंटेशन करेंसी में भी जो क्लोजिंग रेट है उसको रखने ऐसा नहीं करें, जी अगर हम इसको क्लोजिंग रेट को ही रखें तो उसमें प्रेजेंटेशन करेंसी में जैसा कि हम बाकी उसमें कर रहे हैं ये भी नहीं कर रहे। दोबारा सवाल पूछे। मैं कह रहा हूँ सर हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं पीएनएल में एवरेज रेट पे, एवरेज रेट पे हाँ, तो हम इसको क्लोजिंग रेट पे क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ बोलते हैं कितना खूबसूरत सवाल पूछे रहा है, सवाल देखा कितना खूबसूरत है। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इनकम स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शीट। आपने जो गौर किया बैलेंस शीट में मैं लिखता हूं एज एट और एज ऑन, तो मैं बताता हूं एक पर्टिकुलर डेट जो कि 31 दिसंबर पे उस पर मेरे एसेट्स इतने इतनी लाइबिलिटीज है इतना कैपिटल है। तो बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट की बनती है तो उस पर रेट एक पर्टिकुलर डेट का होगा। इनकम स्टेटमेंट में लिखता हूं फॉर द ईयर एंडेड ऑन, ये सेल्स जो मैंने उठाई थी ये एक दिन की नहीं है, एक महीने की भी नहीं है, ये पूरे 12 महीने की सेल है। तो मैं 12 महीने का रेट कहां से ला सकता हूँ, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स एक्सपेंसिव ये पूरे 12 महीने में लगे, तो इस पर गलत ट्रीटमेंट होगी अगर मैं एक दिन का रेट लगा दूं। उससे ये एक दिन का आइटम थोड़ी है, बैलेंस शीट एक दिन का आइटम था, इनकम स्टेटमेंट एक पीरियड का आइटम है, तो उस पीरियड का एवरेज रेट निकालना पड़ता है। इसलिए बैलेंस शीट के लिए क्लोजिंग रेट यूज होता है, इनकम स्टेटमेंट के लिए हमेशा एवरेज रेट यूज होगा। चलो भाई एक छोटा सा सवाल आपकी खिदमत में आ रहा है, अभी आ रहे हैं ओटीक्यू। अच्छा बच्चे जो है वो परेशान होते हैं सेक्शन सी में यार बी में ओटीक्यू पता नहीं क्या होता है, तो ओटीक्यूज भी बहुत आसान होते हैं। जब आप ओटीक्यूज उठा के देखोगे तो देखिए ओटीक्यूज आपके सामने आ रहे हैं। इसमें सिर्फ केस क्या है कि एक वक्त में एक से ज्यादा सिनेरियोस को कनेक्ट किया हुआ है उन्होंने, बस मैं आपको IAS 21 का दिखाता हूँ जरा, ये देखिए ये आ गया IAS 21।
सिर्फ इतना सा पोर्शन आपको पढ़ना है। अब ये देखिए, ये जो पूरा ओटीक्यू है ना, ये 256 से लेके क्वेश्चन नंबर 260 तक लग रहा है। लेकिन ये पहला वाला केस अलग है, ये एनवायरमेंटल प्रोविजन से रिलेटेड है। दूसरा वाला गवर्नमेंट ग्रांट्स का है। अब ये तीसरा वाला, ये पोर्शन आपका है जो IS-21 से रिलेटेड है। इसको पढ़ के आपने सॉल्व करना है। इसकी रिक्वायरमेंट कौन सी होगी, इसकी रिक्वायरमेंट में आया था इधर, ये गवर्नमेंट ग्रांट की रिक्वायरमेंट है और बिचारी की रिक्वायरमेंट का है, ये है ना लैंड, लैंड का कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है। अब आप इसको सॉल्व कर लें 2 मिनट में। पेपर बहुत आसान आता है, मैं बता रहा हूं आपको, करके देखें। कितना नहीं, 12 मिलियन दिखा रहे हैं। किससे डिवाइड करना है, कितना हो जाएगा, 3 मिलियन सीधा। और अब कितना हो गया दीवार, 2 का हो गया। तो और ये वो कौन सा है, लैंड कॉस्ट मॉडल पे, किस पे, बस फिर तो टेंशन ही है। लैंड कितने में आएगी, इनिशियल वैल्यू आई थी 3 मिलियन, बस ये आंसर हो गया। इतना आसान सवाल आते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभी आपको एग्जामिनर को देख के हंसी आ जाएगी। आज का आखिरी सवाल, तो 321 टू 325 है। एक कंपनी ने गुड्स परचेज किए, एक दफा सेल किए, दोनों का अमाउंट निकालना है और गेन और लॉसेस निकालना है। अब आपको इसमें ये वाला पोर्शन नहीं पड़ता, ये टैक्स का है, इसको छोड़ दीजिएगा।
हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, मैं आप लोगों ने सवाल कर लिया तो क्या आंसर आ रहा है पहले वाले का 321 का 250 का लॉस और 322 का दोबारा स्टार्ट करते हैं।
चलिए जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक सवाल पूछ लिया भाई एक स्टूडेंट ने, अफान खान ने। आंसर डी क्यों है, इसको छोड़े। पहले तो आप सारे लोग जवाब दें सवाल का। वट एवर रिसोर्स दैट यू हैव यू कैन शेयर इट। वन डे उसी का फुल फॉर्म होता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। शोएब अली पूछ रहे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। हाँ जी, इसका आंसर देखा सॉल्व करना है। व्हाट्स राइट आंसर? मैंने आपको फॉरेन करेंसी से दो चीजें पढ़ाई है, एक सेटल ट्रांजेक्शन होती है, अनसेटल ट्रांजेक्शन होती है। सेटल ट्रांजेक्शन को कौन सा रिड्यूस करते हैं? एट द टाइम ऑफ द पेमेंट जो रेट होता है वो हम यूज करते हैं। इनिशियली रिकॉर्ड होता है एट द टाइम ऑफ द ट्रांजेक्शन का जो स्पॉट रेट होता है उसपे। और मॉनिटरी आइटम्स के लिए क्या मतलब बताया? अनसेटल ट्रांजेक्शन में रिट्रांसलेट होता है कौन से रेट में? तो हमारे पास कौन कौन से रेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं? क्या ये रेट यूज करते हैं हम लोग? यस सर। लो, ये मनी आइटम्स के लिए ट्रांसलेशन के लिए रेट यूज होता है ना, लेकिन एट द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड का रेट यूज नहीं करते हम। लॉजिक रेट यूज करते हैं और जब ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस होती है उस डेट का रेड्यूस करते हैं। एवरी डेट मैंने आपको बताया है कि हम प्रेजेंटेशन करेंसी के कन्वर्ट करते हुए यूज करे होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। अफान को क्लियर है ये सवाल? जी देखिए, उससे बताया व्हेन अ सिंगल एंटिटी मेक्स परचेज और सेल इन अ फॉरेन करेंसी। एक कंपनी है जो कि सेल परचेज करती है फॉरेन करेंसी में। इट इज नेसेसरी टू ट्रांसलेट द ट्रांजेक्शन इनटू द फंक्शनल करेंसी। हमने कहा, हाँ हमने हमें पता है फॉरेन करेंसी को फंक्शनल करेंसी में ट्रांसलेट करना होता है। बिफोर द ट्रांजेक्शन कैन बी इंक्लूड इन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स इन अकॉर्डिंग टू आईएस 21 द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द फॉरेन करेंसी रेट्स। Which of the following foreign currency exchange rates may be used? कौन से रेट हम लोग यूज करते हैं? तो जब सेल्स परचेज होती है उस रेट का रेट यूज करते हैं, एयर एंड पे अगर मॉनिटरी आइटम है तो उसको रिट्रांसलेट करने का रेट यूज करते हैं। अब इसमें कौन सा रेट यूज नहीं करते हम? बिगनिंग का रेट कभी यूज नहीं करते और एवरेज रेट यूज नहीं करते अगर कोई फ्लक्चुएशन सही है तो। अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हुई तो मैंने आपसे कहा था कि हम लोग एवरेज रेट भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे कौन कौन से रेट हम यूज करेंगे? क्लोजिंग रेट और जिस डेट पे ट्रांजेक्शन अकर हुई उस डेट का रेट। तो पूछ रहा कौन कौन से रेट यूज होते हैं ट्रांसलेशन में। जी 1 and 4 होना चाहिए। The rate which exists at the end of the accounting period. Final,
मे बी यूज टू ट्रांसलेट फॉरेन करेंसी परचेज एंड सेल. अच्छा ये इसने कुछ और बोला, जरा गौर करें, थोड़ा सा मिस्टेक ही हमने. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन करेंसी रेट्स मे बी यूज टू ट्रांसलेट फॉरेन करेंसी परचेज एंड सेल्स की बात कर रहा हम. अच्छा हमने इसका मतलब मॉनिटरी आइटम्स को एक्सक्लूड करना है, मॉनिटरी आइटम्स को एक्सक्लूड करना है. अब मॉनिटरी आइटम्स को अगर आपने एक्सक्लूड करना है तो फिर हम कौन से रेट्स यूज कर सकते हैं? तो हमारे लिए बेस्ट होगा एक तो वन, और कह रहा है एन एवरेज रेट फॉर द ईयर प्रोवाइडेड दैट देयर हैज बीन नो सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशंस ड्यूरिंग द ईयर. नहीं, फिर इसका आंसर बी होना चाहिए. हम खाली वन यूज कर सकते हैं. एवरेज रेट की जरूरत पड़ती है जब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो ड्यूरिंग द ईयर. मैंने बात की है, अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आई विल अपडेट यू, लेकिन राइट नाउ तो कुछ नहीं हो सकता. जैन अभी चल गया सीधा हमारी सर्व सामान से बात हुई है, मारने भेजा बोले मेरा कैंसिल हो गया. ये दो बच्चे हैं, एक तो मैंने भेज दिए उधर भाई के पास, उनको फिजिकल आई भी और एक शाम को आएगी, तो उसका मैंने डेटा दे दिया आपको. सॉरी. हाँ जी हमें आ गए ऑफिस. अच्छा अब आप लोगों ने करना क्या है, आज मेरे पास जो है ना वो ओपन नहीं हो रहा स्टडी हब. आप लोग घर जाके स्टडी हब खोलोगे और स्टडी हब के अंदर दो आपको चीजें नजर आएगी, एक है प्रैक्टिस क्वेश्चंस और एक होगा क्विज. दोनों में पांच पांच या दस दस सवाल होंगे मुश्किल से IAS 21 के. तो आप सारे लोगों ने वो पूरे क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट कर दें, और अटेम्प्ट करके मुझे नेक्स्ट क्लास में कल मुझसे डिस्कस करना है. अगर कोई सवाल आपको समझ में आया है, पर जहां पर गलत हो कोई सवाल, तो आप उसकी तस्वीर खींच लें व्हाट्सएप के ऊपर, हम उसको डिस्कस कर लेंगे. एक व्हाट्सएप का ग्रुप आप लोगों का आज से बन जाएगा, तो उसमें मैं भी होंगे, आप लोग भी होंगे, तो आप लोग हम आपस में डिस्कशन भी कर सकते हैं. जो भी आप लोगों की क्वेरीज है, जो भी आपके इश्यूज है, उसको हम मनमोहन डिस्कस कर लेंगे. लेकिन व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आप लोग अब कंटिन्यूस प्रैक्टिस शुरू कर दें बुक से, और जहां जहां से पढ़ना चाह रहे हैं. शुरू में तो अभी आपका बहुत टाइम है, आप बुक से बहुत कुछ पढ़ सकते हैं. स्टडी यहाँ पे आपके पास कुछ अभी ज्यादा वर्कलोड नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे हमारा वर्कलोड बढ़ता जाएगा. तो आप कुछ करें ना करें उस वक्त स्टडी आप जरूर कर लीजिएगा. तो इस चैप्टर को एक दफा आप लोग स्टडी आपसे गो थ्रू करोगे सारे लोग. मैंने किट के सारे सवाल करा दिए इसके, और कुछ और स्टडी ऐप से रहिए. स्टडी ऐप में मैं क्लास में करवा देता हूँ, लेकिन आज खुल नहीं रहा मेरे पास वो लिंक से आउट हुआ है. तो ये आप लोग प्रैक्टिस करके नेक्स्ट क्लास में आएंगे. वेनेसडे को हमारा ऑफ होता है, थर्सडे को जब आप लोग आओगे तो IAS 21 की कोई क्वेरी होगी बुक में या स्टडी ऐप में, तो हम डिस्कस करेंगे, फिर हम विल मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइम. ठीक है जी, राइट नाउ
हम स्टार्ट करें IAS 40। द नेम ऑफ द स्टैंडर्ड इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आपको ये बात पता होगी कि जब हमारे पास सरप्लस पैसा होता है तो लोग उसको मुख्तलिफ सोर्सेज में इन्वेस्ट करते हैं। तो कोई बताएंगे पांच जगह जहां पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं? पाकिस्तान में तो एक कंपनी का प्रॉपर्टी में लोग इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में लगाते हैं, डॉलर्स में लगाते हैं, करेंसी जिसको कह लें, गोल्ड में लगाते हैं पैसा, वेरी गुड, और क्रिप्टो में लगा देते हैं, बॉन्ड्स में लगा देते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं बैंकों में, वहां से भी आपके पास रिटर्न आ रहे होते हैं, और क्या लगाते हैं पैसा? फॉरेक्स में लगा देते हैं ट्रेडिंग के अंदर, और हर जगह पे आपको पता है रिस्क भी है, हर जगह रिवॉर्ड भी है, और बेसिस पे लोग देखते हैं जहां लेस रिस्क और मोर रिवॉर्ड वहां पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। जिसमें वन ऑफ द एरिया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी है। तो अब एक तो हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो एक प्रॉपर्टी हमारी आई है 16 वाली है और एक प्रॉपर्टी हमारी आई है 40 वाली। वो कहता है अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी बिजनेस करने के लिए तो फिर वो आईएस 16 की प्रॉपर्टी, तो उसमें स्टैंडर्ड कौन सा लगेगा? आईएस 16। जैसे आप इस बिल्डिंग में बैठे हैं, अगर मैं आपसे पूछा इस बिल्डिंग में क्या हो रहा है, तो आपने कहा बिजनेस हो रहा है। इस बिजनेस में अगर ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है तो इस प्रॉपर्टी में लगेगा आईएस 16। अब यहां बहुत गौर से सुनने वाली बात यह है कि IAS 40 अप्लाइज ऑन ओनली प्रॉपर्टी, तो इसमें बात सिर्फ लैंड और बिल्डिंग की होगी, इसके अलावा कोई की बात नहीं। अब IAS 40 कहते हैं पूरी दुनिया में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टी में भी है, तो अगर लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें तो फिर इसका स्टैंडर्ड अलग कर दिया, इसकी अकाउंटिंग अलग से होगी, और फिर हम क्या होगा फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो आपने यार मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी प्रॉपर्टी इज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज और फॉर द बिजनेस पर्पज? उसमें कहते हैं सिंपली आप इसकी इंटेंशन देख ले। अगर आपकी इंटेंशन है टू अर्न रेंटल फ्रॉम द प्रॉपर्टी, कि मैंने प्रॉपर्टी खरीद के किराए पे दे दी, तो कहते अगर आपने किराए पे दे दी तो ये कारोबार भी हो रहा, ये आपकी इन्वेस्टमेंट किया जिसपे आप रिटर्न ले रहे हो, या आपको चाहिए कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन। तो आपने कहा मैंने क्यों प्रॉपर्टी खरीदी है? इसलिए कि जैसी वैल्यू बढ़ेगी मैं बेच दूंगा। अब ये 10 लाख की प्रॉपर्टी 20 लाख चाह रहा हूं मैं, 25 लाख चाह रहा हूं, 50 लाख चाह रहा हूं, मैंने टारगेट प्राइस सेट कर ली होती दिमाग में, और लोग यही करते हैं सस्ते प्लॉट मिले हमने खरीद लिए थे 5 लाख के, आज 50 लाख के प्लॉट हो गए बेच देता हूं, ऐसे बहुत सारे लोग आपको नजर आएंगे। तो अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है टू अर्न रेंटल्स और फॉर द कैपिटल एप्रिसिएशन और बोथ, तो ये प्रॉपर्टी आपसे कौन सी प्रॉपर्टी होगी? इन्वेस्टमेंट। और अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है बिजनेस करने के लिए तो फिर ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी? आईएस। क्लियर? अब पहले आईएस 40 सबसे पहले आपको ये बात बोलता है, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी ढूंढ लो कि प्रॉपर्टी 16 की है या प्रॉपर्टी 40 की है। अब मैंने जमीन खरीदी, स्टैंडर्ड कौन सा लगा उसमें बताए? 40 या 16? ये देखिए कितना खूबसूरत बात की, डिपेंड करता है भाई करना क्या है प्रॉपर्टी। तो मैंने एक जमीन खरीदी और मैंने अपने अकाउंटेंट को बताया कि इस जमीन पे हम अपनी अगली फैक्ट्री लगाएंगे, अब
अगली फैक्ट्री लगाएंगे, तो मेरी कौन सी हो गई, 60 की हो गई। लेकिन मैंने कहा ये जमीन खरीदी है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, जब पैसे अच्छे मिले तो बेच दे रहा है, तो फिर कौन सा हो गया आई एस 40। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने कहा मेरे पास इतना पैसा है, इतना पैसा है कि मैंने सोचा ही नहीं करूंगा क्या, खरीद ली जमीन, जमीन खरीद ली। अब अकाउंटेंट तो बेचारा पूछ रहा है सर बिजनेस करेंगे, आपने कहा यार सोचा नहीं इस बात पे, फिर आपसे कहा क्या बेच देंगे, आपने कहा ये भी नहीं सोचा, बस खरीद ली, पैसे तो बहुत है अपने पास, पैसा बड़ा अच्छी लग रही थी खरीद ली, उठा ली, ये आपने खरीद ली जमीन, अब करेंगे क्या इसका 40-60। तो कहते हैं इफ द यूज इज अनडिटरमाइंड तो फिर इसको 40 में डाल दो, तो अनडिटरमाइंड फ्यूचर यूज वाली प्रॉपर्टी भी किस में चले जाएगी 40। ये छोटे छोटे जुमले वो आपसे पूछेगा कौन सी 40 में जाएगा कौन सी 60 में जाएगा, बिजनेस कह रहा हो तो 60 सही है, और रेंटल्स पे है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक वर्ड सुना होगा आपने एयरबीएनबी, सुना उन्होंने क्या करते हैं वो लोग, रेंट पे आप उनकी सर्विसेज यूज करके अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे सकते हैं। तो मैंने आपने कहा ऊपर वाला फ्लोर हमारा खाली पड़ा हुआ है, मैंने एयरबीएनबी के ऊपर उसका एडवर्टीजमेंट दे दी कि अगर किसी को चाहिए तो लोग एक एक कमरा भी दे देते हैं एयरबीएनबी के ऊपर, ताकि वो ले ले उसका मुझे किराया दे दे एक दिन का। तो स्टैंडर्ड कौन सा लगेगा, सारे कमरे यहाँ पूरा घर दे दिया, पूरा घर एयरबीएनबी पे चढ़ा दिया, 16,000। आप वो कह रहा भैया तो मैंने कारोबार शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने एक कमरा दिया मजा आया मुझे, मैंने घर में सारे कमरे दे दिए, सारे कमरे किराए पे दे दिए मैंने, जैसे आपने देखा गेस्ट हाउस लोग बना देते हैं, अब गेस्ट हाउस में 8 कमरे तो 8 कमरों के अंदर हो सकता है 60 लोग रह रहे हो, एक एक कमरे में 5-5 लोग रहते थे, गर्ल्स हॉस्टल्स बनते हैं बॉयज हॉस्टल्स बनते हैं गेस्ट हाउस होते हैं, ऐसे ही होता है, तो अलाव करते हैं भाई इतने लोग रह रहे हैं, हमारे पास खुद करती है ऐसे में बहुत सारे लोग बच्चे पढ़ रहे होते हैं जो कि गेस्ट हाउस में रह रहे होते हैं या हॉस्टल्स में रह रहे होते हैं, तो मेरा काम क्या है मैं कमरे किराए पे दे देता हूँ, और काम अपना अच्छा चल रहा है, 10 फ्लैट मैंने खरीद लिए, 10 फ्लैटों को किराए पे दिया उससे इनकम आती है, अब 60 लगेगा या 40 लगेगा, प्राइस 40 कहता है 40 लगेगा, प्राइस 40 का कह रहा है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं रेंट पे आप दे रहे हैं। अब तो ऑनलाइन वाले भी कुछ कह रहे हैं, आप लोगों को कराची का होटल कौन सा अच्छा लगता है, अरे होटल यार होटल, ये वो रेस्टोरेंट है यार, कोकोनट ग्रुप इज अ रेस्टोरेंट, पीसी होटल कराची, होटल भी तो बचे हुए कोकोनट ग्रुप, ओए कमरे देखे खाना दे चेक करे, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है भाई इधर उल्टा पे क्या था स्विमिंग पूल नजर आ रहा है आपको स्विमिंग पूल, मैं इसको मैं जल्दी से बंद कर रहा हूँ। अच्छा पीसी की बिल्डिंग जरा गौर करें, बिल्डिंग देख रहे हैं ये अच्छी खासी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन अगर आप इस बिल्डिंग में जब विजिट करके जाओगे
तो आप देखोगे कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर या मैक्सिमम सेकंड फ्लोर तक इनके बॉलरूम्स वगैरह होते हैं, बाकी ऊपर सिर्फ कमरे ही कमरे हैं पूरे होटल के अंदर, और उन कमरों को ये लोग दे देते हैं किराए पे। तो जब आप किसी भी होटल में चले जाए, चाहे मोविन पे को, मैरियट हो, शेरियट, आप देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आप देखेंगे, पता चलेगा 80% तो कमरे बने हुए खाली, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे एक दो रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, फर्स्ट फ्लोर पे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, कुछ बॉल रूम्स होंगे, मीटिंग रूम्स बने होंगे, उससे ऊपर सिर्फ कमरे कमरे। और उस कमरों को उनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कमरे क्या है, किराए पे देना। तो हो क्या रहा है, प्रॉपर्टी यूज हो रही है मेजर फॉर रेंटल पर्पस। तो यहाँ 16 लगेगा या 40 लगेगा, 16 या 40 लगना, 16 चाहिए, 40 40 16 लगेगा। देख रहा सुन, देखिए लॉबी चेक करें, लॉबी सिर्फ दूर से दिखाऊंगा आपको मैं। अब देखिए स्टैंडर्ड क्या कहता है, स्टैंडर्ड कहता है कि पीसी होटल में क्या रहना पसंद करेंगे आप, एक रात स्टे। नहीं कर, चलो नहीं करा दो, मैं आपसे कह रहा हूँ हर बच्चे को मैं पीसी होटल में एक नाइट स्टे अलाउ करूंगा, हर बच्चा अपने अपने रूम में जाके जो है ना एक रात रह सकता है, तो आप क्या रहना पसंद करेंगे? अकेले ही बात हो रही है, अकेले कर हाँ या ना बोलो आप। हो सकता है एक और होटल है कराची में, फॉर एग्जाम्पल ऐसी रैंडम मैंने बताया, जैसे दानिश होटल एक, और इस तरह के होटलों के नाम आपको नजर आएंगे नॉर्मली जब ट्रेन स्टेशन से बस स्टेशन से बाहर निकले ना, आपको छोटे छोटे होटल नजर आते, उनसे पूछे वो भी वही काम करे अपने, हम भी यार, हम भी अपने पीसी है, हमारा नाम दानिश होटल से क्या हो, काम तो हम भी वही कर रहे हैं, किराए किराए पे दे रहे हैं, वो भी किराए पे दे रहे हैं। आप टूरिस्ट लोकेशन पे आप जाके देखिए, बहुत सारी जगह पे आपको अनब्रांडेड होटल हजारों मिल जाएंगे, नारायण चले जाए, लोग कागान चले जाए, गिलगित बलुचिस्तान चले जाए, वहां पे ब्रांडेड होटल्स भी होते हैं, अनब्रांडेड होटल्स भी होते हैं। या किसी अगर आप उस तरफ चले जाए जहाँ हम लोग इबादत के लिए जाते हैं, मक्का मदीना अगर आप चले जाए या किसी ज्यारतों पे लोग जाते हैं, तब देखिए वहां भी होटल्स होते हैं, वो सब किराए पे दे रहे होते हैं। इधर कराची में भरे पड़े गेस्ट हाउसेस, पीसी वैरियंट के अलावा भी हजारों गेस्ट हाउसेस, हजारों प्रॉपर्टीज अदर देन दैट आपको मिल जाएगी। आप सर्च कर ले मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स बने हुए, जैसे booking.com है, इस तरह करके बहुत सारे उसमें मिल जाएंगे आप। तो सब क्या कर रहे हैं, कमरे किराए पे दे। अगर मैं पूछूं दानिश होटल में भी तो सोना ही है और पीसी होटल में भी सोना ही है, तो आप कहां पसंद करेंगे सोना? पीसी। हाँ पीसी यानी क्यों? ब्रांड क्या करेगी डील में आपका, आगे डील में बोले ब्रांड 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 दानिश होटल में पीसी पीसी करके सो जाए। नींद तो दोनों जगह पे आएगी ना भाई, सोना तो दोनों जगह पे एक जगह आपको सर्विसेज भी मिलेंगी। आप उठाते हैं नाश्ता चाहिए, नाश्ता आ जाएगा कमरे में, दानिश होटल में आप बोलेगा नाश्ता चाहिए, बोलेगा जाओ ले लो खुद ही बाहर में। लॉन्ड्री सर्विसेज कमरे में आके मिलेगी, नॉक करके बोलेगा सर ये आपके कपड़े इस्त्री कर दिए, वहां बोलेगा जाओ खुद कर लो इस्त्री।
छोटे दादी छोटे से आपसे पूछेगा, आपने कहा स्विमिंग पूल का है, बोला कहीं भी नहीं है, बाथरूम में जाओ, इधर आपको स्विमिंग पूल मिल रहा है, इधर आपने कहा मुझे स्वानाबाद चाहिए, स्वानाबाद तो या कुछ भी, आपने कहा मुझे मुझे पेन हो रहा है सर में, मैं मसाज करवाना चाहता हूँ, सर्विसेज मिल रही है, आपने कहा मुझे जिमिंग करनी है, पीसी होटल में आपको जिम मिल जाएगा, आपने कहा मुझे टेनिस खेलना है, टेनिस कोर्ट मिल जाएगा, पूल चाहिए, व्हाटएवर यू जस्ट नेम इट, सफाई सुथरा ही आपको कहाँ मिलेगी, सिक्योरिटी क्या मिलेगी, पीसी दारू शराब को उसके आगे आपके कमरे में, तू क्या क्या है, आपने क्या पीसी होटल में कोई आपके रूम तक पहुंच नहीं सकता, सिक्योरिटी मिल रही है, जैसे गोरे आते हैं ट्रैवल करके आते हैं, उनको बताते हैं बकायदा, एम्बेसी बताती है आप सिर्फ इन होटल में रह सकते हो, या तो रमाडा में या पीसी में या मोमिनपेक में, तीन चार ये नहीं चौथे पांच किसी फरार होटल में या नरार होटल में रुक जाए, आप आबशार होटल में रुक जाए जाके, उनके लिए अलाउड नहीं होता तरीके से, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन, सही ना, हमारी जान तो इतनी कीमती नहीं है, हम लोग तो ऐसी है फारे, गोयों की तो जान भी इम्पोर्टेंट होती है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्टैंडर्ड क्या जवाब देता है, स्टैंडर्ड कहता है अगर जो प्रॉपर्टी आप दे रहे हो उसके साथ जो सर्विसेज है वो सिग्निफिकेंट वैल्यू की है, तो आगे 16 चल रहा है, फिर आईएस, फिर कस्टमर सो रहे नहीं आ रहा आपके होटल में, उसको वो खाना चाहिए साथ साथ, उसको वो सर्विसेज भी चाहिए जिसको वैल्यू कर रहा है ना, उसको जो है ना वो जिम भी जाना है, उसको ब्रांड भी चाहिए, उसको मीटिंग्स करनी है, मीटिंग हॉल्स चाहिए, उसको प्रॉपर खाना चाहिए हाइजीन फैक्टर के साथ, उसको सिक्योरिटी चाहिए, उसको बहुत सारी सर्विसेज चाहिए, जिसकी वजह से वो पीसी में आके 50,000 में नाइट के दे रहा है, वरना 5,000 में बहुत सारे गेस्ट हाउस मौजूद है मार्केट में, बात समझ रहे आपको, सर अगर ये दानिश भाई भी ये सारी फैसिलिटी करेंगे तो फिर फिर वो ब्रांड नहीं होगा तो फिर क्या होगा? अगर हाँ फिर वो कहते हैं क्या कस्टमर उसको वैल्यू कर रहा है, कस्टमर कहते हैं तो कुछ भी कर लो मैं दूंगा 5,000 ही तुमको, तो मैं इसका मतलब दानिश की सर्विस की कोई वैल्यू नहीं, तो अगर होटल जो दे रहा है वो उसका सिग्निफिकेंस क्या है पता चलेगा कैश फ्लो से, जब मैं 50 भी बोलता हूँ लोग भरे हुए होते हैं, मैं 40 भी बोलता हूँ लोग भरे हुए होते हैं, तो मुझे प्राइस में डिस्काउंट भी देना पड़ रहा है, उसके अलावा भी मेरे पास जो है वो कैपेसिटी फुल है, दैट मीन्स कि मेरी सर्विसेज जो है वो कैश फ्लो पे इम्पैक्ट डाल रही है, और बहुत सारे आप देखें मदीने में मक्का में या इस तरह की जगहों पे, तो उस लोकेशन पे आप जाए जहाँ पे आपको बोलते हैं फिर सामान रखो जाओ इबादत करने जाओ, कुछ भी नहीं मिलेगा बाहर से खाना खाते जा रहे हैं, यहाँ से सोने की फैसिलिटी है, तो कह रहे हैं अगर कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू की सर्विसेज नहीं है तो फिर वहां IS 40 लगेगा, इसका मतलब जितने गेस्ट हाउसेज है वो सब IS 40 में जाएंगे, लेकिन जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं होटल्स के वो सब IS 16 में जाएंगे, कई बात समझ आ रही है आप लोगों को भाई, हाँ सवाल है जी, गुड गुडविल की हम पेमेंट नहीं कर सर्विस रहे, सर्विसेज की पेमेंट कर रहे हैं, ज्यादा क्योंकि वो नाम के हिसाब से जी 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 एक मतलब ज्यादा मिनट, हेलो 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 हेलो, अच्छा जी, तो सर्विसेज जो है उसकी आप पेमेंट कर रहे होते हैं, तो हम जब पेमेंट करते हैं ना एक रूम बुक करवाते हैं, तो मैं ये नहीं बोलता भाई ये वाले पैसे मैं गुडविल के दे रहा हूँ, ये मैं बेड पे सोने के दे रहा हूँ, ये मैं नहाने के पैसे दे रहा हूँ, ये बस पूरी हम एक अमाउंट हम लमसम पे करते हैं, तो कस्टमर जो 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 पैसे मिलते हैं उसको उसको वो अपने कैश फ्लो में डालते हैं, उनको पता है कि कस्टमर किस चीज की वैल्यू कर रहा है, सर्विसेज को, तो कहता है अगर क्योंकि सर्विसेज को वैल्यू कर रहा है तो हम अगर ये सर्विसेज हटा दें तो लोग नहीं आएंगे हमारे पास, चाहे उस पर पीसी लिखा हो या टीसी लिखा हो, अगर मैं सर्विसेज हटा दूं, स्विमिंग पूल बंद कर दूं, जिम बंद कर दूं, क्योंकि जहां ये जगह ये चीजें भी तो जगह घेरती है, इधर भी कमरे बना दिए मैंने, स्विमिंग पूल के ऊपर भी कमरे बना दिए, जिम खत्म करके उसके लिए कमरे बना दिए,
तो वो फिर वो प्रॉपर्टी किस बात पर रह जाएगी, वही रेंटल वाली प्रॉपर्टी रह जाएगी अगर आप सिग्निफिकेंट हटा दो सर्विसेज की। तो अगर आप सर्विसेज दे रहे हो तो वो कहते हैं आइए 16 में सर्विसेज दे रहे तो आइए 40 में। क्लियर हो गया सब बात? जब आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदोगे तो आप एंट्री क्या बनाओगे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट होगा और कैश इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और कैश। अब मैंने अपना घर किराए पे दे दिया, अपना घर किराए पे दे दिया, स्टैंडर्ड कौन सा लगेगा? 40 लगेगा। या मैंने अपने घर में बिजनेस शुरू कर दिया, 60 लगने शुरू हो जाएगा। मैंने अपना घर किराए पे ले लिया, 40 मैंने क्या किया, आधे घर पे बिजनेस शुरू कर दिया, आधा घर किराए पे ले लिया, आधा ऊपर वाले फ्लोर होता है ना, देखो ऊपर वाले फ्लोर पे कुछ और है, नीचे वाले फ्लोर पे कुछ और है, नीचे वाले फ्लोर पे हम रह रहे हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे आपने हमारा कारोबार शुरू कर दिया। मैंने अब लोग आईटी कंपनी खोल लेते हैं एक कमरे में, लोग बहुत सारे बिजनेस जो स्टार्ट कर लेते हैं घर में स्टार्ट हो जाते हैं बिजनेस। और एक कमरे कमरे एक फ्लैट फ्लोर आपने का फाइव पड़ा था, हमने किराया पे दे दिया, तो 40 लगेगा 60 लगेगा। अब उसका पहला सवाल क्या है, वो कहता है सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा क्या प्रॉपर्टी सेपरेबल है या नहीं। अब एक होती है सेपरेबल प्रॉपर्टी, सेपरेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो प्रॉपर्टी अलग से ट्रांजैक्शन जिसकी हो सके, जिसको मैं अलग से खरीद सकता हूँ अलग से बेच सकता हूँ, जैसे फ्लैट होता है, ये फ्लैट किसी और का है, बराबर वाला किसी और का, ऊपर वाला किसी और का, नीचे वाला किसी और का, हर फ्लैट अलग अलग बंदे का है, हर बंदा आपकी मर्जी से फ्लैट खरीदता है, आपकी मर्जी से बेच देता है, जैसे पोर्शन होते हैं, आपकी मर्जी से पोर्शन खरीदा पोर्शन बेच, ये मेरा पोर्शन है, अब मैं थर्ड फ्लोर पर रहता हूँ ये मेरा पोर्शन, तो अगर वो लीगली सेपरेबल प्रॉपर्टी है मतलब उसकी अलग से ट्रांजेक्शन अगर हो सकती है तो कहते हैं जहां जो हो रहा है वहां स्टैंडर्ड लगेगा। अगर ये फ्लैट है तो आप ऊपर वाले फ्लैट में बिजनेस हो रहा है तो आगे 60 लग जाएगा, नीचे वाले फ्लैट पे क्या हो रहा है रेंटल पे आगे 40 लग जाएगा, प्रॉपर्टी सेपरेट। अब होती है जो प्रॉपर्टी सेपरेबल नहीं होती, एक ही सिंगल प्रॉपर्टी, जैसे इस बिल्डिंग में बैठा हो, इस बिल्डिंग में आते नीचे कारोबार चल रहा है, ऊपर हमने किराए पे दे दिया, जो प्रॉपर्टी सेपरेबल है ये लीगली एक ही प्रॉपर्टी है, इसके पोर्शन अलग नहीं बने हुए। पोर्शन बनाने के लिए आपको गवर्नमेंट से प्रोकायदस का एक अग्रीमेंट करना होता है कि भाई ये अलग पोर्शन है, ये अलग प्रॉपर्टी, एक अलग प्रॉपर्टी, ऊपर वाली प्रॉपर्टी किसी और की, नीचे वाली किसी और की। देखा होगा कराची में आपने पोर्शन फ्लैट वगैरह जो देखे होंगे ये सब सेपरेबल प्रॉपर्टीज कराती है। तो इफ द प्रॉपर्टी इज नॉट सेपरेबल तो यू नीड टू सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो अगर मेजर पोर्शन में बिजनेस हो रहा है तो फिर सबका सब किस पे आ जाएगा, आइए 16। और अगर मेजर पोर्शन किराए पे तो 40। सर अगर 120 के नीचे बिजनेस हो रहा है 120 के ऊपर किराए पे तो क्या पहले मैं क्या कर दूं जी, हैवी भी तो कंपेयर कर सकते हैं, तो सर नीचे तो रेंटल है ऑब्वियसली बिजनेस से ज्यादा है, देखिए कंपैरिजन सही नहीं हुआ। कुछ जगहों पे स्टैंडर्ड जो है वो आपको बोलेगा इट्स अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, बिल्कुल नाप के आते हो बिल्कुल ऊपर 120 गज, नीचे भी 120 गज, नाप नाप के दोनों से नाप के आपने पूरा जो कैलकुलेशन की आपने का, ऊपर भी किराया पे है नीचे अलग हो रहा है, प्रॉपर्टी सेपरेबल नहीं है, फिर वो कहता है आप खुद देख लो कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी किस पर्पज के लिए थी, कारोबार करने के लिए खरीदी थी तो फिर आप उसको कारोबार में लेके जाओ, और अगर खरीदी प्रॉपर्टी किराए के लिए थी, छोटा मोटा बिजनेस आपने चला लिया साथ साथ, तो फिर आप इसको 40 में ले सकते हो। वहां पे प्रोफेशनल जजमेंट यूज हो सकती है जहां पे आपको बिल्कुल इक्वल होता है,
सर ऐसे सिचुएशन बना लेते हैं, जैसे हमने प्रॉपर्टी खरीदी और एट द टाइम हमें पता नहीं था इसका क्या करना, मगर फिर हमने नीचे हमने सोचा कि हम नीचे फैमिली रहेगी और ऊपर मर्चेंडाइज का काम करेंगे, फिर क्या करेंगे मतलब रेंटल रहेगी फैमिली, जो मैं कह रहा हूँ रेंटल रहेगी, नीचे आपने किराया तो नहीं दिया, ऊपर मैंने शुरू कर दिया। हाँ और एट द टाइम डिसाइड नहीं किया था। सही है, कोई बात नहीं। अब आपके पास प्रॉपर्टी है ना, अब आप ये देखते हो कि मुझे ज्यादा फायदा कौन सी प्रॉपर्टी दे रही है, तो आपने कहा मुझे कारोबार दे रहा फायदा, तो फिर मैं इसको 60 में ले जाऊंगा, क्योंकि आपने कहा जब चल जाएगा तो मैं नीचे वाला किराया वाला उनको भरा दूंगा, उधर भी बिजनेस खोलना शुरू कर दूंगा मर्चेंडाइजिंग का, तो फिर आप आइए 60 में ले जाएंगे। किस हमारी प्रॉपर्टी तो रेंटल पे? ही तो वो तो ऐसे रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता, वो तो मेरी रेंटल इनकम होगी, वो ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मैं ऐसे मेरे पास ऐसे रिकॉर्डेड है, तो मेरे लिए तो रेंटल इनकम 40 में आ जाएगा। रेंटल पार्टनरशिप क्या कह रहे हैं? बोलो, पार्टनरशिप में हो इसमें तो बिजनेस हो रहा है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस हो रहा है, 60 में चलाएगा अगर पार्टनरशिप है प्रॉपर्टी के। जैसे मैंने प्रॉपर्टी में किसी ने स्कूल खोल दिया, तो वो उसका तो बिजनेस हो रहा है, मेरा बिजनेस थोड़ी है, मेरा रेवेन्यू पे तुम्हें 20% का पार्टनरशिप होगा, ऐसा वो रेंटल नहीं आएगा तुम्हारे 16 उसमें होगा या खुशी की प्रॉपर्टी में। कोई करता नहीं है, अगर आप देखे ना तो आपको ऐसा कोई मिलेगा नहीं, तुमको मैं किराया भी दूंगा, रेवेन्यू भी शेयरिंग दूंगा, तुम किराया ले लो अपना, खत्म करो गाड़ी खत्म। और अगर नहीं है वो किराए में रिडक्शन दे रहा है, तो फिर वो बिजनेस का पार्टनर है। कुछ लोग ऐसे डील्स बनाते हैं कि यार मैं किराया 7.5 लाख रुपए बिल्डिंग मैं नहीं कर सकता, मैं आपको 2.5 लाख रुपए देता रहूंगा, लेकिन बिजनेस के अंदर भी आपका हिस्सा होगा, तो फिर आप इन्वेस्टर बन जाते हो उस बिजनेस में, क्लियरिटी फिर 60 हो लगेगा बिजनेस प्लान। ज्यादा क्लियरिटी है नहीं सबको? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डील करने के लिए कहते हैं दो तरीके हो सकते हैं, या तो कॉस्ट मॉडल या होता है फेयर वैल्यू मॉडल। मोस्टली हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के फेयर वैल्यू मॉडल पे रखते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड अभी चॉइस भी आपकी मर्जी, कॉस्ट पे रखें फेयर वैल्यू पे रखें, लेकिन ये चॉइस है। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को होना किस पे चाहिए? फेयर वैल्यू मॉडल। व्हेन वी टॉक अबाउट द फेयर वैल्यू मॉडल, दैट मींस कि आपको डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी, पहली बात। फेयर वैल्यू मॉडल पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। और जो गेन होगा या जो लॉस होगा वो डायरेक्टली पीएनएल में जाएगा। दूसरी बात, फेयर वैल्यू मेजरमेंट एनुअल होगी, इसका मतलब हर साल आपको फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि भाई मेरी पहले मैंने जमीन खरीदी 10 लाख की, अब कितने की हो गई है? एक साल बाद चेक करोगे, हर रिपोर्टिंग डेट पे यू नीड टू चेक द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, इफ द वैल्यू इंक्रीजेस देन यू कैन बुक द गेन, एंड इफ द वैल्यू रिड्यूसेस यू हैव टू बुक द लॉस। तो जो भी गेन होगा जो भी लॉस होगा हमेशा कहा जाएगा स्ट्रेट पीएल में, कोई टेंशन नहीं, सीधा सीधा पीएल में उतारना। तो पहली बात डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, दूसरी बात गेन एंड लॉस बुक करना है एनुअल फेयर वैल्यू मेजरमेंट के, और हर साल फेयर वैल्यू की मेजरमेंट होगी, है ना। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आईएस 16 का फ्लेवर भी आपको देता जा रहा हूं। आईएस 16 बिल्कुल सब ऑपोजिट है। आईएस 16 कहता है रिवैल्यूएशन मॉडल अगर होगा तो ऐसे डेप्रिशिएट होगा, और इसका गेन एंड लॉस ओसीआई में जाए। दो बात, तीसरी बात, दो रीड के आप एनुअल मेजरमेंट करें, रिवैल्यूएशन 3-3 साल बाद भी हो सकती है, 5-5 साल बाद भी हो सकती है, 4-4 साल बाद भी हो सकती है, जैसे फुटबॉल के वर्ल्ड कप आते हैं ना, हर कितने साल बाद फुटबॉल के वर्ल्ड कप आता है? 4 साल बाद, तो आप 4-4 साल बाद रिवैल्यूएशन करो। वाई 16 है, 40 में कहता है हर साल होगी फेयर वैल्यूएशन मेजरमेंट, मार्केट मार्केट वैल्यू होगी। और फेयर वैल्यू निकालने के लिए इन्होंने तरीका बनाया हुआ IFRS 30, ये स्टैंडर्ड अलग से मैं बताऊंगा आपको कि मार्केट वैल्यू निकालते कैसे, दैट इज IFRS 30। वैल्यू इट डन?
आगे चलो। अब मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, मैं कौन हूं? मलिक रियाज। मैंने जमीन खरीद ली बहुत बड़ी सी। मलिक रियाज साहब ने ऐसे किया ना, डेरी टाउन कैसे बनाया? बहुत बड़ी जमीन खरीद ली, अच्छा उस जमीन के उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे पीसेस बना दिए, कुछ प्लॉट्स बना दिए, कुछ घर बना दिए, कुछ फ्लैट्स बना दिए, छोटे छोटे पीसेस बना दिए। मैं छोटे छोटे फ्लैट बना दिए, कुछ पार्क बना दिए, मस्जिद बना दी, फैसिलिटीज बना दी। एक सोसाइटी में बात कर रहे हैं, नाम रख दिया मैरियट टाउन। स्टैंडर्ड कौन सा लगेगा? आईएसबी मलिक 16 राज ने बोला मैं जमीन को आईएसबी बेचूंगा, 16 तो इसका आंसर है IAS 2। मलिक राज साहब के लिए जमीन पीपीई नहीं है, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, इज नॉट द नॉन करंट एसेट फॉर हिम। वो क्या है? वो इन्वेंट्री है। हर प्लॉट एक इन्वेंट्री है उनके लिए। तो एक वर्ड इन्वेंट्री का जब भी आएगा ना, तो उसके लिए एक वर्ड हम लिखेगा अपने पास, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। जो चीज भी मेरे पास अवेलेबल फॉर सेल है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, जिस चीज का मैं बिजनेस करता हूँ, सब मेरी इन्वेंट्री है। गाड़ी बेचने के लिए बेचने वाले के लिए गाड़ी इन्वेंट्री है, चावल बेचने वाले के लिए चावल इन्वेंट्री है, शहद बेचने वाले के लिए शहद इन्वेंट्री है। सॉरी, मेडिसिन बेचने वाले के लिए मेडिसिन इन्वेंट्री हो। सॉरी, जो चीज भी आप बेच रहे हैं जो आपके लिए, जो सेलफोन बेचता है उसके लिए, तो नहीं। जो प्लॉट बेचता है उसके लिए प्लॉट क्या है, जो फ्लैट बेचता है उसके लिए फ्लैट क्या है। नहीं। तो अगर लिखने का इन्वेंट्री की डेफिनेशन क्या होती है, सॉरी, आइटम्स अवेलेबल फॉर सेल बिल्कुल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, जिस चीज का मैं बिजनेस करता हूँ, अगर टीएस ने ये इरादा किया मैं ये बिल्डिंग बेच रहा हूं, तो स्टैंडर्ड कौन सा लगेगा इस पे? 16 हम इस बिल्डिंग को बेच रहे हैं, तो स्टैंड, हाँ, तो सवाल में पहले 2 लगेगा, नहीं, क्योंकि हम टीएसए काम नहीं करता बिल्डिंग बेचने का, तो 2 तो नहीं रख सकता। क्या ये प्रॉपर्टी मैंने कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए खरीदी थी, रेंटल्स के लिए खरीदी थी? नहीं, कारोबार हो रहा था उसको बेचो, तो इसका मतलब पहले से चल रहा होगा IS 16, और अब ये ट्रांसफर हो जाएगा 16 से IFRS 5 में। इस स्टैंडर्ड का नाम है नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। और आप समझ रहे, देखिए मेरी बात, ये थोड़ा सा भी पर्पस चेंज होगा, स्टैंडर्ड चेंज है, प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल। चलो अब जाओ जल्दी से, आप देना है। मैंने काम शुरू कर दिया रेंट अ कार का, मैं गाड़ियां किराए पे देता हूं, गाड़ियां किराए पे देता हूं, इस पे 40 लगेगा या 16 लगेगा? किराए पे दे रहा हूं, किराए पे दे रहा हूं, किराए पे दे रहा हूं। अब देखिए बच्चे जवाब दे रहे 40,
और मैं क्या कह रहा हूं कि जैसी मैंने क्लास स्टार्ट की और मैंने आपको बहुत क्लियर तरीके से बताया कि IAS 40 ओनली अप्लाइज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, तो रेंटा कार में कैसे लग सकता है? आसान बात, IAS 40 इज ओनली फॉर लैंड एंड बिल्डिंग, प्रॉपर्टी का नाम है स्टैंडर्ड। तब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि 40 आ सकता है अगर मैं गाड़ियां किराए पे देता हूं, तो ये 16 की ही गाड़ियां हैं। हाँ, अगर मैंने शोरूम खोल दिया गाड़ियां बेच रहा हूं तो वो इन्वेंट्री बन जाएगी। आप समझ रहे एग्जाम में ड्रॉप कैसे देता है बच्चे को? चले, हम देखते हैं किट में कैसे सवाल आता है। टाइम हो गया क्या? कैसे दस है डिस्प्ले मिनट में अटेंडेंस हो जाएगी ले ले। करो। वानिया खान, वानिया प्रांचल, कार्ड मिला आपको कैसे? सर कहीं से कॉन्टेक्ट कर लेना, मैंने मैंने कार्ड दे दिया। तैमूर, अलीजा, साहिल, साहिल राजा। ये सवाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। साहिल राजा मेरा साहिल पता नहीं कौन। हाँ वही राजा, मैंने आपका साथ दे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई। मदिया साजिद, अफान खान, सैयद बादशाह, सारी जिंदगी वजीर रहे तुझे क्या पता बादशाह। नवेद रजा, अम्मार मोहम्मद अम्मार गुराया। नाम नहीं वही बता रहे हैं। शुएब अली, सुमैरा सलीम, आद अहमद, फरीदा जुबैर, मोहम्मद सलाम, गंगा, हाँ खदीजा, हसनैन अहमद, हमजा बिलाल, मोहम्मद अली। हमजा बेटा कार्ड नहीं है तुम्हारे पास? मालूम सर कहीं से कह गया। नवेद अहमद, इदरीस, मुइज, अली फैजल, हुजैफा मुशर्रफ, शाहरुद्दीन, हसनैन, अच्छा मुनीब, सुजल, पहिला बतूर, सुमैरा सलीम। ये बच्चे एनरोल आ रहे हैं, इसके अलावा आप में से किसी का नाम नहीं शो हो रहा ना, किसी का भी शो नहीं हो रहा। अब मैंने नाम लिया, ये एनरोल्ड है, बाकी बच्चे एनरोल्ड नहीं है। एक बार सर फहीम से मिलके क्लास के बाद तो नहीं कह देना कि सर हमारा अटेंडेंस में नाम नहीं था, हमारी एनरोलमेंट एक्टिव कर रहे हैं। ठीक है ना? टेस्ट आएंगे पोर्टल पे और ये जो रिकॉर्ड हो रही होंगी क्लासें, ये भी आपके पोर्टल से निकलती चली जाएगी जब तक आपके पास आपका पोर्टल एक्टिव नहीं होगा। थैंक यू। राइट आंसर क्या है इसका? बी। सबको क्लियर हो रही बात? सर मैं समझा रही आ गई। समझाऊंगा सर, क्या? सी वाला एक्सपीरियंस। अ न्यू ऑफिस बिल्डिंग यूज एज अ हेड ऑफिस
ये बोलते ही हेड ऑफिस बोलते ही आपके दिमाग में क्या आ जाएगा? 16 खरीदा कैपिटल गेन पोटेंशियल के लिए था, लेकिन अब मैं उसको बिजनेस में यूज कर रहा हूं, तो देयर इज अ चेंज इन द पर्पस, तो फिर डेफिनेटली 16 लग रहा होगा। बस यही से इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। आप लोग आईएस 21 कंप्लीट करके आ रहे हैं, हाँ अटेंडेंस लगा रहे, फिर जा सकते हैं आप लोग। Gracias.